Okay, so are we live? Okay, we are live. Good. So let us start, guys. क्या हाल चाल है? टॉपिक तो बड़ा ज़बरदस्त है अभी, केमिकल इक्विलिब्रियम। और सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में आपसे क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं वो डिस्कस कर लिया जाए, है ना? So what are the biggest mistakes and what are the biggest learning things that you should keep in mind? क्या क्या बातें आपको पॉइंट बना करके समझनी चाहिए, माइंड में रखनी चाहिए, वो सुन लो। इक्विलिब्रियम का सेक्शन जो है वो थियोरेटिकल ज़्यादा है, कैलकुलेटिव कम है। जबकि ये फील होता है हमें कि ये कैलकुलेटिव ज़्यादा है और थियोरेटिकल कम है, ऐसा फील होता है। बट यहाँ ना जो ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर, बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रिक्स होते हैं इसमें सॉल्विंग के, वो पता होने चाहिए। सो सॉल्विंग बहुत इजी हो जाती है अगर आपको अप्रॉक्सीमेशंस के ट्रिक्स आते हैं तो। सो अप्रॉक्सीमेशन के ट्रिक्स सीखने होते हैं। क्या बताया मैंने? अप्रॉक्सीमेशन की ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम में, और स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना? पहले तो भाई अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके ऐसे हैं जो देखने से ऐसा लगता है कि आपको पता होते हैं बट वो पता नहीं होते हैं। इसके जो एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो जनरली बुक्स में ना ढंग से बताते ही नहीं है। सो अगर आप कभी बुक्स से पढ़ते हैं नॉर्मली तो क्या होता है कि ये ना आपका वीक ही रह जाता है, सोचने का तरीका ही नहीं बता पाती है कोई बुक। तो अगर सोचने का तरीका आपको सीखना है ना, तो ओलंपियाड वाले लोग देखिए इस बुक को देखिएगा। ये बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में ब्रूस महान ने बहुत प्यारे तरीके से इक्विलिब्रियम को समझाया है। समझ रहे? मतलब कि अगर किसी को जीरो से शुरू करना है ना, तो दिस इज द बेस्ट बुक। ब्रूस महान की फिजिकल केमिस्ट्री आती है, यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री। सो दिस इज द बेस्ट बुक अभी तक मैंने तो देखा। वैसे भाई पीटर एटकिंस भी है समझने को अच्छे लेवल पर, ओलंपियाड लेवल पर, जीरो से। बट ऑब्वियसली भाई कोई भी स्टूडेंट अगर स्टार्ट करता है किसी टफ चैप्टर को तो वो चाहता है जीरो से स्टार्ट करना, बेसिक की तरफ जाना। तो मैंने क्या बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम के ना सबसे पहले तो आप समझ जाओ कि सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है हर चैप्टर में, हर टफ चैप्टर में। तो और भी ज़्यादा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रेंथ अच्छी करनी होती है। सो सबसे पहले तो गलती होती है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को गलत तरीके से पढ़ते हैं, या फिर जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का वही अच्छा नहीं होता हमारा। दैट इज के द वे वी आर स्टडिंग द चैप्टर, जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ते। मतलब बुक इस तरीके से पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं आता। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, है ना? अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ये अप्रोच, आपका पढ़ने का तरीका। और ऑब्वियसली जो इसमें ना टेक्निक्स होती हैं, जिनको मैं बोल रहा था अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, ये सब हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो यार, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ढंग से अप्रोच को मिलाइए, और फिर आप एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे। जब एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे, अगर ये आपका अच्छा भी है बट आपको ये अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक नहीं आती है, तो फिर से आप फंस जाएंगे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। सो मेरी नज़र में देखिए इस चैप्टर में क्या है, आप ना मिस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस जो अप्रोच होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने का, उनको अप्लाई करने का, और फिर अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक्स। चैप्टर जो इक्विलिब्रियम का है वो अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक पे मैं बता रहा था। ये बुक जो है मेरी नज़र में दिस इज़ द बेस्ट बुक। भाई इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स ऐसे चैप्टर है 11th के जो स्टूडेंट्स जो है बहुत परेशान होते हैं ढंग से समझने के लिए, है ना? सो अगर कोई ओलंपियाड का स्टूडेंट है, आपके पास टाइम है, अगर इफ़ यू आर इन क्लास 10th, इफ़ यू आर इन क्लास 11th, सो यू कैन गो फॉर अ गुड बुक कि आप उसको थॉरली खुद से पढ़ो, है ना? टीचर के नोट्स तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होते ही हैं, बट भाई कोई अच्छी बुक अगर मिलती है हमें तो मज़ा ही आ जाता है। और एक सच्चाई बताऊं दोस्तों, आप जितने भी ओलंपियाड में मेडलिस्ट लोगों को देखोगे, जितने भी लोगों को देखोगे जिन्होंने अच्छी प्रेप की है, जेई एडवांस में अच्छा रैंक बनाया, ओलंपियाड में मेडल्स जीते हैं, बुक्स तो वो हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। क्या फ़ायदा बुक्स का जब हम नोट्स पढ़ सकते हैं, टीचर के क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं, फिर क्या फ़ायदा बुक्स पढ़ने का? तो फ़ायदा ये है दोस्त कि आप जब खुद से बुक्स पढ़ते हो ना, तो आपकी जो एनालिटिकल स्किल है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा, आपकी ना सिटिंग, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। सो बुक खुद से पढ़ना, वो आपके एनालिटिकल पावर, आपके अपने फोकस और कंसंट्रेशन, जो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है, जो पीस ऑफ माइंड को गेन करने की, पीस ऑफ माइंड को बना के रखने की जो आदत होती है ना, वो बन जाती है बुक्स को पढ़ने से। तो हर ओलंपियाड वाले बच्चे जो अच्छी रैंक बनाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं ओलंपियाड में, वो बुक्स तो जरूर पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि भाई टफ टॉपिक अब हर जगह मैं नहीं बताता, बट हाँ यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो ब्रूस मान की यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री, शायद इसका कोई सॉफ्ट कॉपी, वैसे सॉफ्ट कॉपी शायद इसकी जल्दी मिलती नहीं है, है ना। तो यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री बाय ब्रूस मान, फिजिकल की बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री की। कुछ पार्ट शायद इसका ऑर्गेनिक भी है, बट बेसिकली ये फिजिकल की बुक है और बहुत ही अल्टीमेट। चलो, तो अब मैं क्या करूँगा, फटाफट अब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन को निपटाऊँगा, ठीक है। बट देखो अभी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 2 लेक्चर आपको तो जाएंगे इसे समझाने में, इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को समझाने में। देखते हैं आज कितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ पाते हैं। शुरू के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत इजी हैं, जो सबको पता होते हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना। वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना भी ऐसा नहीं कि बहुत इजी है और आप जो है फटाफट इसे लिख जाओगे और आपको जो है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, एकदम बिंदास बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें मजेदार है जिसमें आप फंस जाओगे। फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोशेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक और मिसकॉन्सेप्शन है, हमें ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन कोशेंट है वो इंपॉर्टेंट कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात उल्टी। जो रिएक्शन कोशेंट है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ इनफैक्ट के रिएक्शन कोशेंट का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है, कौन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो रिएक्शन कोशेंट और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी रिएक्शन कांस्टेंट की रिएक्शन कोशेंट की प्रॉपर्टीज़, और फिर उसके बाद एक्चुअल पार्ट आता है फंसाने वाला। ये स्टार्टिंग के ना बहुत बेसिक्स हो गए, इतने सबको पता होते हैं, बट उसके बाद एक्चुअल मज़ा आता है ना। सो शायद मैंने कुछ बातें ऐसे स्लाइड्स में बनाई भी हैं। लॉ ऑफ मास, एक्शन रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई जब हम पढ़ते हैं ना ये इक्विलिब्रियम का चैप्टर, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो अब शुरू में ना कुछ बातें मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पर, शुरू में बस मैं यहाँ दिखाते चल रहा हूँ फटाफट, ठीक है। क्या इक्विलिब्रियम को इस तरह से समझाया जा सकता है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच अपोजिंग फोर्सेस और इन्फ्लुएंसेस आर बैलेंस्ड। ये काइंड ऑफ वैसा अप्रोच है जो सभी लोग जानते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशली अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, बट ऑल्सो अबाउट एनी काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। सो फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, ये सबको पता होता है। अभी मैं बोर्ड पर वर्क नहीं कर रहा, फिर तो थोड़ा शुरू में आपको ना एक बहुत बेसिक्स है, बहुत ज़्यादा ही बेसिक्स है, सो मैं इनको फटाफट स्लाइड्स के थ्रू बता रहा हूँ। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम पे तो हम फोकस नहीं करने वाले, हम तो इधर करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। बट फिजिकल इक्विलिब्रियम में सारे आ जाते हैं। 2 फेजेस के बीच के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच के इक्विलिब्रियम को, गैस और लिक्विड। तो बेसिकली फेज वगैरह से रिलेटेड जो है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल्स के बीच का इक्विलिब्रियम, है ना, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच का इक्विलिब्रियम होता है, तो उसकी पढ़ाई हम केमिकल इक्विलिब्रियम के सेक्शन में करते हैं। आपने अगर एनसीईआरटी देखी होगी 11th की, तो एनसीईआरटी ने ना बस एक ही चैप्टर बनाया, इक्विलिब्रियम। बट हम जनरली क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में डिवाइड करके। क्यों? क्योंकि 2 तरह के फेज से हम बहुत ज़्यादा ना 2 तरह के फेजेस का हम बहुत डिस्कशन करते हैं, गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स का और अक्वस फेज दैट इज सॉल्यूशन फेज के मॉलिक्यूल्स का। तो गैसियस फेज के मॉलिक्यूल से रिलेट करके जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ज़्यादा उन पर फोकस करते हैं, तो वो पूरा सेक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जिसको हम पहले करने वाले हैं। और इसे पहले कर लेना चाहिए बिकॉज कि ये थोड़ा ईजी होता है। और आयनिक इक्विलिब्रियम में बातें टफ हो जाती हैं, आयंस का गेम होता है, बहुत आयंस का खेल होता है। सो वहाँ पर आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, है ना। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो इक्विलिब्रियम को यार। फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम में अलग अलग बातें हैं, बट अभी इनको डिस्कस करने का है नहीं फंडा। और ये आपके लिए पीडीएफ के रूप में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, लिंक्स में देखिएगा। और आपको अगर पीडीएफ फाइल ढूंढने में मुश्किल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, सो दैट मुझे पता चल सके तो मैं उसको रीलोड करा सकूँ। क्योंकि एरर पीडीएफ फाइल को अपलोड करने में कुछ एरर भी आ रहा था, तो माइट भी कोई दिक्कत हो। रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। वैसे आप पूछिए तो सच्चाई में क्या है देखिए ऑलमोस्ट हर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम के टर्म्स में दिखाया जा सकता है। ऑलमोस्ट हर रिएक्शन को। हम जब कहते हैं ना इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, तो पता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इरिवर्सिबल मीन्स के वो रिएक्शन ना, रिएक्शन के किसी एक डायरेक्शन में जाने का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पहले से आपको थोड़ी भी जानकारी है तो देखिए किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम ये बात भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की थोड़ी भी जानकारी, जिनको नहीं है वो तो अभी 2-3 मिनट देख लो कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट ही किया है। बट ये IUQC का लेक्चर है गाइस, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट ना करो कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मतलब वैसे चलेंगी कि बहुत इजी वे में बहुत लेक्चर नहीं चलेगा। मतलब हमारे पास टाइम कम है और बहुत सारे चैप्टर्स देखने हैं, है ना। इनफैक्ट के IUQC के लिए सारे चैप्टर्स देखने भी नहीं होते, पूरे सिलेबस के कुछ पार्ट है जो आपको बता दो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। वैसे फर्स्ट पेपर के लिए तो ऑलमोस्ट जो लेवल होता है वो जेई मेंस टाइप का होता है। आप सिलेबस के क्वेश्चन देख करके जाओ जेई मेंस सिलेबस के, और अराउंड 80 क्वेश्चन होते हैं, सो आप उनकी सॉल्विंग मैक्सिमम करके आओ। ये फर्स्ट पेपर में होता है। सेकेंड स्टेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो केमिकल बॉन्डिंग में, और फिर ये जो फिजिकल के चैप्टर्स हैं इक्विलिब्रियम, थर्मो, इलेक्ट्रो, कुछ हद तक काइनेटिक्स और थोड़ा सा सॉल्यूशन। ये बेसिकली ये 3-4 चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन से IUQC कवर अप करती है सेकंड स्टेज को, है ना। सो मैं बता रहा था कि देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन को ना समझने का एक दूसरा भी तरीका है। अगर थोड़ा भी आइडिया है आपको पहले से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो आप ऐसा कर सकते हो वेरी हाई या वेरी लो। अगर बहुत हाई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा गया है, तो कुछ इस तरह के रिएक्शन हुए होंगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ होगा, मतलब कुछ इस तरह के रिएक्शन होंगे जिनको कि आप बोलते हो इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में देखो ना बातें क्या लिखी हुई है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज नोन एज इरिवर्सिबल। अब देखो इरिवर्सिबल वैसे तो ठीक है, कहा गया है कि चलो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख दिया यहाँ पर, बट एक्चुअली अब होने को वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में हो सकता है, समझ रहे हैं। बाई डिफॉल्ट हम बोलते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड हो गया, ठीक है जब, बट इसको आप दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों पॉइंट से, वेरी हाई और वेरी लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, है ना। देखिए अगर मैंने कहा कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है, ए से बी ये रिएक्शन जा रहा है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, तो उसका मीनिंग हो जाता है कि ये रिएक्शन जो है काइंड ऑफ ए से बी की तरफ बहुत 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 ज़्यादा ईजिली चला जाता है, और ए जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है ना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है। इस पर बहुत चर्चा होगी। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पूरे केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की जान बन जाएगा। सारे टफ क्वेश्चन ना इस पॉइंट के डेप्थ को समझने से बनेंगे, समझ रहे। इन सब बातों को सुनिएगा, जब मैं ये बातें बोलता हूँ ना, मुझे यकीन है कि अगर इन बातों का आपने ध्यान दे दिया चैप्टर में, ये चैप्टर नहीं फंसाएगा आपको। और मैंने शुरू में ही पहले ही पेज पे स्लाइड पे क्या बताया था, बेसिक्स को समझिए, अप्रोच को समझिए। अप्रोच में यही सब बातें आएंगी, ये ट्रिक्स हैं, ये एक्चुअली वो ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से इक्विलिब्रियम इजी हो जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं। और ये पॉइंट बहुत डेप्थ का पॉइंट है, तो ये अभी तुरंत में क्लियर नहीं हो पाएगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया हमने, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आई होप दैट कि कल तक के लेक्चर से आपको इसके अप्रोच को समझ जाओगे आप कल तक के लेक्चर से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। सो गाइस क्या करना है, ए से बी के बारे में मैंने बताया कि भाई अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होगा, दैट मीन्स रिएक्टेंट विल बी टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, टेंडिंग टू जीरो, नेवर जीरो, जीरो कभी नहीं होने वाला, एग्जैक्ट जीरो नहीं होने वाला कभी भी, आपको पता ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वेरी हाई बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स कि दिस इज गोइंग टू बी टेंडिंग टू जीरो। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इरिवर्सिबल हो गया, मतलब ये फॉरवर्ड ही जाना चाहता है। अब फॉरवर्ड जाने की इतनी हाई टेंडेंसी है तो उसे बोल दिया इरिवर्सिबल। वैसे ही ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज दैट कि कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा हो और ये फॉरवर्ड ना जाना चाह रहा हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहता हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बहुत लो आई है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि ये बैकवर्ड ही जाना चाहता है, ये बैकवर्ड में इरिवर्सिबल होगा, फॉरवर्ड नहीं जाना चाहता है। हम किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम के टर्म्स में दिखा सकते हैं, इरिवर्सिबल को भी वैसे समझा जा सकता है, समझ रहे। जैसे देखिए यहीं पर अब मैंने बताया कि ये जो पॉइंट है ना, वेरी हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बार 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 समझाते समझाते मैं आपको डेप्थ में इसके इस पॉइंट के लेते जाऊंगा और इसका अप्रोच बताऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताऊंगा। मैंने बताया कि सारे अच्छे क्वेश्चन जो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के हैं, इस पॉइंट से रिलेटेड होते ही होते हैं। पूरे इक्विलिब्रियम सेक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ा ट्रिक होती है, उसकी वैल्यू जो हमें दिखाई जाती है पूरे चैप्टर में, ओहो वो बहुत बड़ी ट्रिक होती है, उससे हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। और सारे स्मार्ट बनते हैं जिनका इक्विलिब्रियम वाला सेक्शन स्ट्रांग होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हिंट निकाल लेते हैं। फिर दूसरा जो पार्ट है जो कि हमारे लिए बड़ा यूजफुल होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज होती है, समझ रहे हो। तो चैप्टर को अगर अच्छा करना है, पूरे इक्विलिब्रियम सेक्शन को अच्छा करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इनसे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, फिर हम मतलब सॉल्विंग का बहुत अच्छा अप्रोच मिलता है। तो अप्रोच और ये सब बातें जो है ना, ये जो ट्रिकी अप्रोचेज हैं, वो एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा। ओके, सो भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन का एरो से ऐसा दिखाते हैं और किसी एक डायरेक्शन में वो डोमिनेंट होता है, चलिए पता है ये तो है ना। टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो सकते हैं, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कंबशन हो सकता है, रिडॉक्स हो सकता है, पता है। लेकिन देखिए इनकी सच्चाई ज़रा सुनिएगा। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया के हर रिएक्शन को आप दिखा सकते हैं इक्विलिब्रियम में, इन्हें भी दिखा सकते हैं भाई। ये भी ये जो आप दिखा रहे हो ना, इरिवर्सिबल इनको बोल रहे हो, एक्चुअली इनके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट या तो बहुत हाई होंगे या बहुत लो होंगे, समझ रहे। अब जैसे देखिए या प्रेसिपिटेशन में देखिएगा तो AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है, AgCl एक प्रेसिपिटेट है ना। और आपको पता है यहाँ पर से Cl माइनस और यहाँ से Ag प्लस आया, और Cl माइनस और Ag प्लस के कॉम्बिनेशन से क्या बना, AgCl। मैं इसको भी इक्विलिब्रियम दिखा सकता हूँ, इनफैक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में तो ये इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। और ऑलमोस्ट पता है इसके इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑलमोस्ट ये होता है 10 to the power 10, जो कि बहुत हाई होता है। तो सोचिए जिस रिएक्शन को अभी आप बोल रहे थे ना इरिवर्सिबल, एक्चुअली वो भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलोगे सब तो तब तो इरिवर्सिबल बोलना ही क्या बेवकूफ़ी है। हाँ, एक सेंस में बेवकूफ़ी है, मत ही बोलिए, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अब वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बोल दीजिए आप, बट नहीं भी बोल सकते बेवकूफी, आप बोल सकते हैं रिवर्सिबल, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही इतना हाई है कि वो एक डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखता है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि आप अगर ना बहुत स्ट्रिक्ट मेजरमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन तो फटाफट फॉरवर्ड चला गया, फटाफट फॉरवर्ड चला गया मतलब कि उसके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी हाई है। दैट मीन्स के जो रिएक्टेंट्स थे वो रिएक्टेंट्स बचेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स बचेंगे ही नहीं, तो ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। मैंने सिखाया अभी इक्विलिब्रियम, पूरे इक्विलिब्रियम, आप सारे रिएक्शन को पहले तो इक्विलिब्रियम के टर्म्स में सोच लीजिए। हर रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम का डिस्कशन हम कर ही सकते हैं। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल था, बट स्टिल इसकी सच्चाई बताई कि भाई ये भी इक्विलिब्रियम के टर्म्स में दिखाया जा सकता है, किसी इरिवर्सिबल को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कहानी तो इसकी होती है दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बहुत हाई है। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट्स जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे। बहुत लो है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे। और ये पॉइंट का डेप्थ जो है वो आपको सीखना है, इसके अप्रोच को सीखना है। हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वेरी हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरे चैप्टर की जान है। इसे अप्लाई करने जिसने सीखा वो कैसे भी क्वेश्चन इसके बना देगा, कैसे भी कितने भी टफ हो, समझ रहे। बिल्कुल, तो किसी रिवर्सिबल को भी दिखा सकते। ये इनको इन भाई साहब को देखिएगा, ये HCl प्लस NaOH है, यहाँ मेन रिएक्शन होता है H प्लस और OH माइनस का, है ना, क्या बनाने के लिए, H2O बनाने के लिए। तो H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन जब H2O बनाने के लिए होता है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम रफली क्या दिखा सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 to the power 14 दिखा सकते हैं। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स कि इसकी भी फॉरवर्ड आने की टेंडेंसी क्या बहुत ज़्यादा है ना। और अगर टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट फटाफट रिएक्ट करके खत्म होना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट बचेंगे बहुत कम, जिसको कि मैंने आपको बताया ज्यादा अच्छा टेक्निकल तरीका है, ऐसे बोलो कि रिएक्टेंट विल बी टेंडिंग टू जीरो, समझ रहे हो ना। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऊपर में आता है, रिएक्टेंट नीचे में आता है ना, प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे में आता है, तो रिएक्टेंट विल बी टेंडिंग टू जीरो, तभी तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, जिनको पता है, नहीं पता है तो अभी देखो कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट क्या आपको एक अगर आइडिया, रफ आइडिया है तो प्रोडक्ट ऊपर आता है और रिएक्टेंट नीचे आते हैं, ठीक है, रफली ऐसा लिख सकते हैं। तो भाई रिएक्टेंट विल बी टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी वेरी हाई। अगर प्रोडक्ट विल बी टेंडिंग टू जीरो दैट मीन्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी वेरी लो, ठीक है। तो सारे रिएक्शन को ना, जिनको आप इरिवर्सिबल भी बोल रहे हो, उनको भी दिखा सकते हैं इक्विलिब्रियम के टर्म्स में, बट जनरली उनकी टेंडेंसी बहुत हाई होती है तो उनको इरिवर्सिबल बोल देते हो। तो अगर आप ढंग की लैंग्वेज में अच्छे से तरीके से अगर आप बताओगे कि व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, सो यू हैव टू टेल दैट कि दोज रिएक्शन विच हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू अकर, वेरी हाई टेंडेंसी टू अकर, एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ये सब बहुत हाई टेंडेंसी रखते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, बहुत एक्सोथर्मिक होते हैं, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। ये मीनिंग होता है, ये रियल मीनिंग है इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल का ये मीनिंग नहीं है कि आप ना सिंगल एरो मार दो, ये ना ये LOL मीनिंग है और ये नूब्स के लिए है, समझ रहे हैं कि ऐसे एरो मार दिया सिंगल। लेकिन कहानी ये है जो मैंने बताई अभी, कि एक्चुअली आपको ये बोलना चाहिए कि इरिवर्सिबल मीन्स भाई वो रिएक्शन जिनकी टेंडेंसी बहुत हाई होती है फॉरवर्ड जाने के, और वहाँ रिएक्टेंट टेंड्स टू जीरो बचेगा। अगर फॉरवर्ड का इरिवर्सिबल है तो रिएक्टेंट टेंड्स टू जीरो, बैकवर्ड का इरिवर्सिबल है दैट मीन्स कि प्रोडक्ट टेंड्स टू जीरो, समझे? ओके, फिर वही बात है जो मैंने की, रिवर्सिबल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल है ना। वैसे देखिए आपको जो बात मैंने बोली, सुनिए एक बार फिर से, जो बात मैंने बोली कि भाई रिएक्टेंट, हाँ यहाँ पर रुक जाते हैं, जो बात मैंने आपको बताई कि अगर आप इरिवर्सिबल बोलते हो उसका रियल मीनिंग क्या है, उसका रियल मीनिंग है कि रिएक्टेंट्स बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहे होंगे, या प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाह रहे होंगे, कोई एक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा क्या डोमिनेंट है, दैट मीन्स कि रिएक्शन की होने की टेंडेंसी किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है, किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है ना। तो जब टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होगी ना तो उसमें इरिवर्सिबल नेचर ज़्यादा आएगा, और रिएक्शन की होने की टेंडेंसी अगर कम होगी ना दोस्तों, तब आप बोलेंगे कि रिवर्सिबल नेचर ज़्यादा आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl को ब्रेक करो और एसिटिक एसिड को ब्रेक करो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब आप स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स कि वो टूटेगा बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग मीन्स के स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव, लेस स्टेबल, स्ट्रांगली रिएक्टिव। अब अगर वो स्ट्रांगली रिएक्टिव है तो टूटेगा ज़्यादा, और जब टूटेगा ज़्यादा तो उसका मीनिंग क्या हो गया, उसके टूटने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है, वो बहुत ज़्यादा H+ रिलीज करता है। तो वेन एवर यू से टेंडेंसी इज हाई, इरिवर्सिबल नेचर इज हाई। और जब आप कहते हो कि टेंडेंसी इज लो, जैसे एसिटिक एसिड में टूटने की टेंडेंसी कम है, दैट मीन्स के एसिटिक एसिड वीक एसिड है और उसकी टूटने की टेंडेंसी कम है, तो वो रिवर्सिबल नेचर ज़्यादा शो करेगा अपने डिसोसिएशन का, समझे? यस। सो अब हम आ रहे रीजन फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर, कि इक्विलिब्रियम आता कैसे है। इक्विलिब्रियम पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे, इक्विलिब्रियम है क्या, तो मैं एक बार फिर से इक्विलिब्रियम के बारे में बता दूं। भाई इक्विलिब्रियम में पहली लाइन जो मैंने दिखाई थी पहले स्लाइड्स पर, कि भाई सारे फोर्सेज एक तरह से क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा आपको ना फिजिकल इक्विलिब्रियम की तरफ ले जा रहा है, कि फिजिकल इक्विलिब्रियम को इस पॉइंट से फिजिकल इक्विलिब्रियम वगैरह ज़्यादा इजीली समझ में आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की जब बात आएगी ना तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पे फोकस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस। ये ग्राफ भी यही दिखा रहा है, जनरली इस ग्राफ से स्टार्ट नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को, बट हम तो करेंगे क्योंकि ये बहुत सबसे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम को समझने का। पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए, और वो एग्जाम्पल याद कीजिए जिसमें ना कि दो सिलेंडर्स में फ्लूइड रखा रहता है अलग अलग लेवल पर, है ना, और बीच में कनेक्शन होता है, फिर क्या करते हैं उस कनेक्शन को ओपन करते हैं। इसको याद कीजिए, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है, बट मैं उसको यूज़ करूँगा पोटेंशियल को समझाने के लिए। देखिए कुछ इस तरह का ना बना रहता है, इस तरह के आपने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, यहाँ पर कनेक्शन बना दीजिए इनके बीच में, है ना, और अलग अलग लेवल पर फ्लूइड को भर दीजिए, फिल कर दीजिए अलग अलग लेवल पर। तो सपोज दैट ऐसा इस तरह से हमने फिल किया हुआ है, इस लेवल पर फ्लूइड यहाँ पर है और यहाँ पर फ्लूइड कम लेवल पर है, ठीक है, बीच में एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। आपको पता है कि जब स्टॉप कॉक ओपन होगा तो फ्लो यहाँ से इधर होगा, है ना, बिकॉज दिस इज दैट हायर पोटेंशियल, यहाँ फ्लो हायर पोटेंशियल पर है, लेफ्ट टू राइट होगा, है ना, ये लेफ्ट और ये राइट। सो लेफ्ट टू राइट क्यों फ्लो हो रहा है गाइस? इसलिए फ्लो हो रहा है, आप बोलते हो क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस कम करना है। फ्लो कब तक होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस जब तक कम ना हो जाए, पोटेंशियल का डिफरेंस जब तक जीरो ना हो जाए, है ना। तो दोनों साइड जब तक सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाते, तब तक, जब तक दोनों साइड सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाते, तब तक फ्लो होते रहता है। सेम बात है ना रिएक्शंस में भी है। देखिए रिएक्शंस में क्या होता है ना, हर स्पीशीज के पास अपने ना पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, अपना केमिकल पोटेंशियल होता है, हर केमिकल स्पीशीज के पास अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर ही ना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तैयार होता है, समझ रहे हैं? क्या कुछ देख लूं क्या यहाँ पे, मतलब छोटी क्लास वाले तो नहीं है ना, फिर बातें नहीं समझ में आएंगे इक्विलिब्रियम भाई ये स्पेशल लेक्चर आईयूकेसी के लिए और बेसिकली 11th 12th वालों के लिए। ये 11th वालों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ये लाइव नहीं है, कौन कह रहा है कि ये लाइव नहीं है? मतलब कि मैं अगर सामने ना पढ़ूँ तो मतलब लाइव नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ओके रुबीना सिंह कैन अंडरस्टैंड हिंदी। ओके रुबीना, आई एम कम्प्लीटली मेड ऑफ इंग्लिश, सो आई विल बी you will always see me smiling and talking in English. I am Ayman. Oh ho, that's good, bhai. Sir, please teach in English. Oh ho. Generally मुझे कोई बोलता नहीं English के लिए, but okay, चलिए भाई English में बढ़ाया जाए। सर सोई नहीं का क्या? आप कौन बोल रही है अभी ना? अब तो शक्ल ही ऐसी बन गई है भाई, तुम लोगों के चक्कर में ऐसे ही हो गया है ना। ये देखो, जब चैट बॉक्स पढ़ो नहीं कि बस एनटीएससी महाराष्ट्र में होगा ये सब बातें पूछ लेते हो। भाई गाइस आईओक्यूसी लेक्चर, मुझे लेक्चर कंप्लीट करने दो भाई चलो गाइस, तो मैं आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट कि अगर इक्विलिब्रियम को बहुत सही तरीके से समझना है तो हम क्या करते हैं ना, हम इसे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में समझते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या फंडा है कि बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देखो ग्राफ में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दोनों बनाए गए। अभी ग्राफ से हट करके बस ऐसे जस्ट लुक एट व्हाट आई एम राइटिंग अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बोथ हैव पोटेंशियल एनर्जी, भाई दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों के पास, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा, इफ देयर इज नो पोटेंशियल, देयर इज नो डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देयर विल बी नो नेट रिएक्शन, ये जब मैं बोलता हूं नो नेट रिएक्शन है, इसे समझने की जरूरत है। सी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, actually the difference in potential energy of reactants and products drives the reaction. So reaction is going forward, reaction is going backward. आप जब ये बोलते हो ना, that means के you are actually implying that के potential energy का difference कैसा है। See, if reactant is at higher potential as compared to product, वैसे देखिए both of them want to decrease their potential energy because every species in the world wants to decrease their potential energy. So potential energy कम करना चाहेंगे दोनों। Every species in the world wants to decrease their potential energy. So reactant also wants to decrease their potential energy. Product also wants to decrease their potential energy. Both of them want to decrease their potential energy, right? So दोनों ही potential energy कम करने की कोशिश करते हैं। This also wants to decrease the potential energy. This also wants to decrease the potential energy. But if I am putting reactant and product at the same level, it might mean that कि यार reactant product have same potential energy, है ना? But ऐसा नहीं है। Generally जब reaction होगा, so reactant product are at different potential energy. So suppose that reactant it has higher potential energy as compared to product, ठीक है? Roughly I am saying that के if I am writing product at a lower level, so you should understand that कि यार चलो यहाँ पर potential energy प्रोडक्ट की कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है, ठीक है। अब यहां देखना, रिएक्टेंट आल्सो वांट टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, प्रोडक्ट आल्सो वांट्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहे हैं रिएक्शन में, ओके। फिर एक ऐसा टाइम आ रहा है जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट becomes equal. That means there is no difference in the potential energy of reactant and products. So potential energy reactant और product के potential energy में कोई difference नहीं रह गया. अब reaction net reaction के रूप में कोई reaction नहीं दिखेगा. Net reaction के रूप में कोई reaction नहीं दिखेगा. यही सिखाया जा रहा था यहाँ पर graph में. This is what being taught in this graph. कि reactant also wants to decrease the potential energy. Product also wants to decrease the potential energy. Eventually they arrive at a situation where their potential energy is same. And there is no difference in the potential energy. There is no difference in the potential energy. Difference in potential energy, अक्सर इसे हम क्या बोलते हैं, ये गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, डेल्टा जी. Actually which represents the difference in the potential energy. है ना, गिब्स एनर्जी, इसे ये भी कहते हैं. अच्छा, if someone says that कि ना, this is product, this is reactant, so what? Again the same thing happens यार, same thing होगी, फिर से. एक ही बात होनी है फिर से प्रोडक्ट कम करना चाहेगा पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्टेंट कम करना चाहेगा पोटेंशियल एनर्जी. इवेंचुअली दे विल अराइव एट अ पोजीशन वेयर डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. और यही पॉइंट जो है वही इक्विलिब्रियम है. सो इन केमिस्ट्री यू हैव टू, देखो क्या होता है ना, हम जो लोग इक्विलिब्रियम पढ़े रहते हैं वो ऐसे सोचते हैं. देखना उनके सोचने का तरीका क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ गया, अच्छो इक्विलिब्रियम आने का मतलब हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सही है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग लाइक दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ थिंकिंग. के सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सोचेंगे बिकॉज दिस इज द बेसिक. वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नॉट द बेसिक पॉइंट. इससे निकालेंगे उस पॉइंट को, वी विल एक्चुअली connect that point with this is more basic. Difference in potential energy is zero. That means difference in potential energy is zero. That means now there is no net reaction. Okay. So the first case was that reactant was having, या आप ऐसे समझो this is the graph and this is our first case that reactant is having more potential energy than product. So if I ask you that which is more unstable? According to the graph, which is relatively more unstable or stable? देखिए तो कौन ज़्यादा unstable है? The one which is having a larger potential energy is unstable. So the answer is reactant. है ना? Now tell me, which is more unstable? Reactant. So it is more reactive. The species which is more unstable is said to be more reactive. So ये ना more reactive है, ये ज़्यादा reactive है. समझ रहे हैं? ये ज़्यादा reactive है. तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, अगर ये वाइज फ्री एनर्जी मिनिमम, अब फ्री एनर्जी की जगह पर ना पोटेंशियल एनर्जी पहले बोलो. फ्री एनर्जी सीख नहीं पाओगे इतनी आसानी से, पता है. फ्री एनर्जी को हल्के में नहीं लेना है, फ्री एनर्जी को हल्के में नहीं लेना है, समझ रहे हो. तो मैं ना अभी फ्री एनर्जी की आदत नहीं डलवाता इक्विलिब्रियम में, मैं थर्मो में जा करके फ्री एनर्जी को की आदत डलवाता हूँ. बिकॉज यहाँ पर आप ज़्यादा फ्री एनर्जी करोगे ना, आप ऐसे बोल लो बट एक्चुअली आप फील करो कि दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना. इस चैप्टर में तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि यार डेल्टा जी, व्हाट डज डेल्टा जी रिप्रेजेंट्स. द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेल्टा जी इज अंडरस्टूड इन द चैप्टर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बट यार फॉर नाउ we will be taking delta G as the representator of potential energy. इससे चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी. Okay, so which is more unstable? Reactant obviously यार, it has more potential energy, it is more reactive. So reaction will be going from more reactive to less reactive. This is the basic funda ना, कि अगर आपसे बोला जाए कि reaction किधर से किधर जाएगा guys, कहाँ से कहाँ जाता है रिएक्शन, आप क्या बोलोगे? यू विल ऑलवेज सी दैट के द डोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डोमिनेंट बिकॉज के अब हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना. मैंने बताया कि मोस्टली सारे रिएक्शन जो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, बट यार रिवर्सिबल अगर है दैट मीन्स के एवरी रिएक्शन हैज एट लीस्ट अ स्लाइट टेंडेंसी टू ऑल्सो गो बैक, है ना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी टेंडेंसी होती है बैकवर्ड भी आने की, फॉरवर्ड जाता है तो कहीं ना कहीं टेंडेंसी होती है बैकवर्ड आने की भी। अगर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जाता है तब तो बैकवर्ड आने की टेंडेंसी कम होगी, है ना। बट इफ़ के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है एवरेज तो बैकवर्ड की भी एवरेज होगी, फॉरवर्ड की बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स के इट्स फेवरेट वर्क इज टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड आना उसको पसंद नहीं है। इफ़ इट्स फेवरेट वर्क इज टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर बैकवर्ड जाना बहुत पसंद है तो फिर उसको फॉरवर्ड आने की टेंडेंसी कम होगी बहुत, है ना। अब मेरा कहना है कि क्या ग्राफ देख करके आप बता सकते हो कि रिएक्शन इज डोमिनेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन? सो कैन वी जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कैन वी से दैट कि यार कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ज्यादा फॉरवर्ड में डोमिनेंट है या फिर बैकवर्ड में? तो हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेंट है। क्यों फॉरवर्ड में डोमिनेंट है? बिकॉज रिएक्टेंट इज मोर अनस्टेबल, सो इट वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी, उसे स्टेबिलिटी चाहिए। तो रिएक्टेंट क्या करता है, वो फॉरवर्ड में जाने की कोशिश करेगा, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो अनस्टेबल से रिएक्शन किसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, स्टेबल की तरफ, स्टेबल स्पीशीज की तरफ। समझ रहे हैं? सो यहाँ पर ना रिएक्टेंट ने अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, प्रोडक्ट ने खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, बट रिएक्टेंट को ज्यादा, रिएक्टेंट ज्यादा दुखी है सो वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो बड़ा आएगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट के लिए। सो जिस स्पीशीज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बड़ा आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बड़ा आने वाला है इक्विलिब्रियम तक, है ना, वो स्पीशीज ही अनस्टेबल था, पोटेंशियल एनर्जी में बड़ा चेंज ला रहा है, वो वही रिएक्शन को ड्राइव करेगा। दैट मींस कि रिएक्शन विल बी मोर डोमिनेंट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दैट इज रिएक्शन इज मोर डोमिनेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझिए, ठीक है। और इसी तरह से ना बातें पलट जाएंगी अगर ग्राफ आपका उल्टा होगा तो ये ग्राफ देखेंगे आप, जैसे ही सपोज दैट कि आई हैव गिवन यू दिस ग्राफ, यहाँ रिएक्टेंट है एंड दिस इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसको कि अभी हम गिब्स एनर्जी बोल रहे हैं। सो वहां रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, एंड ग्राफ इज लाइक दिस। ये अपना पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है, ये भी अपना पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है। नाउ दे हैव रीच्ड एट अ कॉमन पॉइंट वेयर देयर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज जीरो। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी और गिब्स एनर्जी इज जीरो। गिब्स एनर्जी को इस चैप्टर में आप पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेटर मानेंगे, ओके। बट ये पता चल गया रिएक्शन इज मोर डोमिनेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो एक बड़ा एरो फॉरवर्ड के लिए और एक छोटा एरो किसके लिए, बैकवर्ड के लिए। देखा, स्मार्ट काम, ये मजेदार काम, ऐसे करना है आपको, ओके। अच्छा, फिर इफ आई एम शोइंग यू ग्राफ लाइक दिस, अब ये ग्राफ का अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट था गाइस, तो मैंने ग्राफ पर ना फोकस किया है क्योंकि इसके बाद बहुत आसान आसान चीजें वो हो जाएंगी, वो फटाफट देखेंगे हम, फिर आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। समझ रहे? तो इसके अपने दो लेक्चर्स तो आपके बहुत जरूरी हैं इक्विलिब्रियम के, अच्छे से देखना क्योंकि यही आपके पूरे केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के बेस को तैयार करेंगे, है ना। टुडेज लेक्चर एंड द लेक्चर ऑन द अदर डे, जो आने वाले अपकमिंग डे पर जो लेक्चर होगा इक्विलिब्रियम को, दोनों को ध्यान से अच्छे से बार बार रिपीट कर करके सुनेंगे कि मैंने क्या क्या बोला है। सो यहाँ पर अगर इफ आई वाज शोइंग दैट कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज फॉर द प्रोडक्ट, अगर ये प्रोडक्ट के लिए है तब क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा और रिएक्टेंट भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। टुगेदर दे विल रीच आजा भाई, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है, ये भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है। टुगेदर दे विल रीच टू अ पॉइंट वेयर के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? अब यहां पर पूछा जाए, देखिए मोर अनस्टेबल इज प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है अपने आप को फटाफट स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी है। प्रोडक्ट ज़्यादा अनस्टेबल है, प्रोडक्ट वांट्स टू गेट स्टेबल मोर देन रिएक्टेंट वांट्स टू गेट स्टेबल। प्रोडक्ट के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है खुद को जल्दी स्टेबलाइज करने की, बहुत अनस्टेबल है वो, रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो रिएक्ट करने की टेंडेंसी जो ज़्यादा रखेगा वो ज़्यादा ड्राइव करेगा रिएक्शन को। समझ रहे हैं, है ना। रिएक्शन जाना किसकी तरफ चाहता है हमेशा, एवरी टाइम रिएक्शन वांट्स टू गो टुवर्ड्स मोर स्टेबल स्पीशीज, एवरी टाइम रिएक्शन फेवर्स मोर स्टेबल स्पीशीज। रिएक्शन हमेशा मोर स्टेबल स्पीशीज ही फेवर करता है। भाई हार्ट्स आ रहे, क्या बात है, हैं, लव यू जानू मोहित ये क्या चल रहा है, आयु एंड पीयूष हो, Bye. Thank you, thank you. Are you fine? Seems that you are really working hard for Sapna. Lots of love, Sapna. Thank you so much. Rohan, yes, I'm in Chandigarh. अब तुम लोग ना आरसी मुखर्जी अच्छी है क्लास 11 के लिए. हाँ जी बहुत बढ़िया. बस देखो आरसी मुखर्जी ना पुरानी हो गई बुक, तो काइंड ऑफ के दैट बुक वाज मोर यूजफुल 10 to 15 इयर्स अगो. अपना मतलब स्टिल वो अच्छी है बुक, बट इन टर्म्स ऑफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, समझ रहे हो, इन टर्म्स ऑफ विल यू बी कवरिंग द होल सिलेबस बिफोर टेस्ट. आईयूक्यूजीएस तृप्ति, हाँ हाँ सारे इंपॉर्टेंट. देखो फुल तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है, बट वी विल गो फॉर द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर एंड द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन, एकदम श्योर है, ठीक है. इजी सेक्शन को देखेंगे, अगर आगे हम फ्री रहे तो लंबे सेशंस लगा करके वो भी आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना, पूरी कोशिश होगी जब तक है जान. ओके, आज का एवेंजर्स मेंटी दे दे. अच्छा एवेंजर्स मेंटी, अब नाक मत कटा देना तुम लोग एवेंजर्स मेंटी में, है ना. चलो ये मुझे दिख रहा है क्लास 10 वाले भी आए हुए ना आईओक्यूसी लेक्चर्स में भाई. चलो कोई नहीं, सीखने आए हो तो ठीक है, वैसे तो आपके ऊपर से जाएगा ये. कोई नहीं. सो गाइस ये पॉइंट मैं बता रहा था, यहाँ पर अगर आप ना शो करने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन कैसे शो करेंगे देखिएगा. इस बार ना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के लिए छोटा एरो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए बड़ा एरो होगा, बिकॉज प्रोडक्ट इज मोर अनस्टेबल, समझ रहे. ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को दिखाना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को दिखाना. अभी तक आप समझ चुके हैं भाई रिएक्शन में ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की टेंडेंसी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की टेंडेंसी है, ठीक है. और अभी ग्राफ में और भी बातें थी, लेकिन मैं जब अभी आगे डिस्कशन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह का करूंगा तो फिर से एक बार ग्राफ को टच करूंगा, और भी बातें मैंने नोट की हुई यहाँ पर आपको दिखाने के लिए. बट अभी मैंने ग्राफ के थ्रू क्या समझाया कि भाई ग्राफ के थ्रू आप ये समझ जाओ जो भी स्पेसीज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना हमेशा चाहते हैं. मतलब हमें यह फील होता है जैसे कि जो रिएक्ट कर रहा है, जो रिएक्टेंट्स हैं वही पोटेंशियल एनर्जी अपनी कम करना चाहते हैं. ऐसा नहीं होता है. हर वो स्पेसीज जो कि रिएक्शन में प्रेजेंट है, यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वैसे तो हम रिएक्शन पे फोकस कर रहे हैं, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है. जो ज़्यादा अनस्टेबल है वो धक्का देगा, रिएक्शन को किधर ले जाएगा, मोर स्टेबल की तरफ, है ना. और यही चीज़ ग्राफ में भी दिख रही थी. तो ग्राफ से भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड. कौन अनस्टेबल है, रिएक्टेंट, दैट मीन्स फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन. कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, प्रोडक्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड then the reaction will be actually going from product to reactant, that is backward reaction will be more favorable, है ना. तो forward reaction will be favorable if the reactant is unstable, backward reaction will be favorable when the product is unstable, the potential energy of product will be higher. But equilibrium means there is no difference in the potential energy, ठीक है. और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें, बट क्या है कि मैं उसको समराइज करूँ एक ब्लैंक स्लाइड पर. आई शुड टेल यू दैट कि यार देखो, और अब इक्विलिब्रियम अगर है ना तो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो गए. सी इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, देन इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट. ये ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी, द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, सो द टेंडेंसी देखिएगा आर एफ रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. But the potential energy difference is zero. That means के forward and backward reaction will have the same rate because there should be no net reaction. No net reaction. No net reaction. सही बात. But मैं summarize कर रहा हूँ points को, ठीक है. और जो भाई जो छोटे बच्चे उनको लिए नहीं है भाई, आपको आसानी से नहीं समझ में आएगा बिकॉज कि यहाँ पर एक आपको एक थोड़ा सा बेसिक लेवल चाहिए. मैं तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी यहाँ पर दूंगा, बट ना ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हाँ क्लास 11th के लिए अगर स्पेशली जब लेक्चर्स लगाएंगे ना तब आपको हर एक बात ब्रेक कर करके और भी ज़्यादा बताएंगे. अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टार्ट ही किया ज़ीरो से, और स्टार्ट करके ज़ीरो से मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी इक्विलिब्रियम से रिलेट करके पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की मैंने समझाने की कोशिश की. अब मैं बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम मीन्स भाई। तो इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम लिख दीजिए। क्या क्या होता है एट इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम में तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। फिर ये बात भी कहते हैं आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, बट मैं चाहता हूँ आपके जबान पे ये पहले आए, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कैसे होगा? ऑब्वियस है, अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर नहीं होगा तो इफ आर एफ इज ग्रेटर देन आर बी, सी इफ आर एफ इज ग्रेटर देन आर बी, so what does that mean? There is no equilibrium, there is no we were saying that the potential energy difference will be zero. यहाँ पर potential energy difference is not equal to zero because there is a net tendency to proceed in the forward reaction because forward reactions rate is high. Forward reactions rate is high, है ना? ऐसा कुछ हो रहा है, forward में जाने की tendency high and backward की कम. So this is not equilibrium. This is not equilibrium. Equilibrium कि सिचुएशन नहीं है, इक्विलिब्रियम आ सकता है बाद में, बट अभी नहीं है इक्विलिब्रियम। समझ रहे? मुझे तो इक्विलिब्रियम शो करना है कि इक्विलिब्रियम इज देयर, इक्विलिब्रियम इज देयर। सो आरएफ ग्रेटर देन आरबी, ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल, राइट? फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल, ऐसा है। एंड इफ देयर इज के भाई आरएफ इज लेस देन आरबी, that means कि backward reaction is favorable because RB is dominating. So backward reaction is favorable. Is favorable means कि actually the net reaction will be going backward. ऐसा होगा, ठीक है। But if you show RF is equal to RB, now that means कि यार RF बराबर RB अगर आपने ये कर दिया, RF बराबर RB कर दिया, सो इसका मतलब हुआ कि अब देर इज नो नेट रिएक्शन, ओके। अब नो नेट रिएक्शन डजंट मीन के, बट सुनिएगा, ये मिसकॉन्सेप्शन वाला पॉइंट, लोग ऐसा कर देते हैं। बट यू कांट से क्या देर इज नो रिएक्शन, ये नहीं कहना है, आप ये नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट से के देर इज नो रिएक्शन if potential energy has become equal for forward and backward for reactant and product, that doesn't mean that you are going to say that there is no reaction. Now reaction is happening in forward as well as in backward reaction, but with the same rate, but with the same potential. समझ रहे हो? तो same potential energy के साथ reaction हो रहा है। जितनी तेजी से forward में जा रहा है रिएक्शन, उतनी तेजी से बैकवर्ड में आ रहा है। जितने तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतनी तेजी से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। समझ रहे? तो रिएक्शन हो रहा है। दैट इज व्हाई के इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी डायनेमिक इन नेचर। ये सुना ही होगा, इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी डायनेमिक इन नेचर, है ना? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज एट इक्विलिब्रियम रिएक्शंस नेवर स्टॉप, बट दे अकर विद द सेम रेट, बट दे अकर विद द सेम पोटेंशियल, राइट? सो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद भाई क्या बातें की जाती हैं कि राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? अब देखना, मैं ना यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, रिएक्शन क्वोशेंट भी। सो एकदम ध्यान से सुनिएगा, देखिए, आपको डिफरेंस समझना। और ये सब बेसिक्स बता रहे हैं, मैंने क्या बताया, 3 पार्ट है। देयर आर 3 पार्ट्स टू स्ट्रेंथन योर इक्विलिब्रियम चैप्टर। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? फर्स्ट पार्ट इज, अरे यार बाल वाल एकदम खराब लग रहे मेरे ना, ओ यार, ओके। सो फर्स्ट पार्ट इज के यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और जितना टफ चैप्टर होगा बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो टफ चैप्टर अच्छा चैप्टर है, स्टूडेंट्स को जल्दी, स्टूडेंट्स का ये अच्छा नहीं होता है, तो बेसिक्स बहुत अच्छा कीजिए। ध्यान से सुनिए मैं कहाँ पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, बिकॉज के ऐसा तो नहीं है कि हम क्लास 11th के जैसे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ लेक्चर्स में इसको पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है, है ना? हमारे पास मतलब हम इसे हार्डली 2 लेक्चर्स विल बी मोर देन सफिशिएंट। आज का दिन और अगले दिन आपके बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, सारे पॉइंट सम अप हो जाएंगे, है ना? और उसमें अच्छे ढंग के क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, और फिर एक स्पेशल सेशन जिसमें कि सिर्फ तोड़ फोड़ क्वेश्चन चलेगा। सो राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन तो बाय द यूज ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इफ यू हैव अ रिएक्शन लाइक दिस, ऐसा कोई रिएक्शन होगा, देखिएगा a, baba, sasa, and dada. This is the type of reaction. Then ye, this expression, sorry, this expression, that means this numerator divided by denominator, this ratio will be said to be equilibrium constant. ठीक है, ये बातें सबको पता होती है, ऐसे होता है. लेकिन अब डेप्थ में जाइए, मीनिंग समझना है. ये लिखाया तो कैसे लिखाया, ये है क्या, इसको समझना. देखिएगा होता क्या है. देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली ना ये बात नहीं बोलता है डायरेक्टली. क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन कि इफ आप ना, ये आपके पास रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने की प्रॉपर्टीज रखता है. सो इसके लिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है आरएफ, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने वाले हम लोग. तो अगर आप फॉरवर्ड में जाने वाले हैं, और आपको याद है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमने क्या किया था, फॉरवर्ड इक्वल टू क्या कर दिया था, बैकवर्ड किया था, है ना. सो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट का डिस्कशन कीजिएगा तो वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स पर और उनके कोएफिशिएंट पर. इस तरह से द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोएफिशिएंट, देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट. अगर कुछ और होता, दूसरे रिएक्टेंट होते तो वैसे उनके लिए भी इसी तरह की बात हो जाती. सो टिंगी 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 कर दिया, मतलब कि ये और भी रिएक्टेंट्स के लिए सेम बातें हो जाएंगी. नहीं भी है तो कोई बात नहीं, दो है तो बस दो के लिए ऐसा कर दिया. आर बी विल बी रिटन जस्ट लाइक दिस, है ना. फॉरवर्ड जा रहे थे तो डिपेंडेंसी रिएक्टेंट पे, बैकवर्ड आ रहे तो डिपेंडेंसी इन स्पेसिस पे हो जाएगी. ये एक्ट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्टेंट के लिए, ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, याद आया ना. ऐसे देखिए बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा. फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी इज रिमूव्ड एंड अ कांस्टेंट इज पुट. वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है ना. दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. और फिर ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अब क्या करते हैं, एट इक्विलिब्रियम यहां से आर एफ बराबर आर बी लगा देते हैं. आर एफ इज इक्वल टू आर बी एट इक्विलिब्रियम. और जब ऐसा करेंगे एट इक्विलिब्रियम आप आर एफ बराबर आर बी लगाएंगे, तब क्या हो जाएगा, के एफ ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, बट के बी के साथ कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना. आर एफ बराबर आर बी, ये हो जाएगा के बी, सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी. ठीक है, अब मैंने मेहनत की, हालांकि मुझे इतना करना नहीं है आईक्यूसी के लेक्चर में, ठीक है, बट चलो भाई इक्विलिब्रियम है और कुछ लोग जो है यहाँ पर आए भी हैं ऐसे जीरो से सीखने के लिए. सो अब देखो यहाँ पर से ना आप ये रेशियो निकाल लो, के एफ बाई के बी. अब ये जब आप रेशियो निकालोगे के एफ बाई के बी, तो ये आ जाएगा सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी. ठीक है, ये आ गया भाई, चलो, है ना. तो यही जो रेशियो है इसे ही क्या बोलने लगते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलने लगते हैं. सो ये कहला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिखाई दिया कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के एफ बाई के बी लिखना. दिस के एफ बाई के बी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी प्रोडक्ट का पार्ट ऊपर पहले एंड देन रिएक्टेंट का पार्ट ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में. ये रिएक्टेंट का पार्ट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट का पार्ट. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी लिखाएगा तो रिएक्टेंट नीचे की तरफ और प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आएगा. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक तरीका हो गया समझने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को. बट सच्चाई में पता है क्या, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे ना तो ऐसे ढंग से ये लिख देना चाहिए. देखिए ये लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, मैं क्या बता रहा हूं, क्या हम क्या मिस क्या कर जाते हैं, क्या बातें हमारे माइंड में नहीं होती हैं, वो मैं एक बार आपको ध्यान दिला दूं. दैट के वी मस्ट रिप्रेजेंट द टाइम दैट के वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. ये हम इक्विलिब्रियम पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों. सो आपको ना ये टाइम जरूर बताना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का डिस्कशन चल रहा है, इक्विलिब्रियम की बातें चल रही हैं, समझ रहे हैं. अच्छा, सो व्हाट इफ इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ये रेशियो अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं निकाला, इफ टाइम टी इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम, सो व्हाट विल हैपन. देखिए क्या होगा, इफ टाइम इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाला टाइम, है ना, ये इक्विलिब्रियम का की तरफ इशारा, इक्यू लिखूंगा, दैट मीन्स के we are talking about the time of equilibrium. So if t is not equal to equilibrium, so what does this ratio represent? क्या अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा? आंसर है ना, नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट मींस कि भाई इक्विलिब्रियम का ही टाइम होना चाहिए। इफ टाइम टी इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम दिस रेशियो रिप्रेजेंट्स क्यू विच इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। अब हम क्या करते हैं ना, हमारा एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, हम रिएक्शन कोशेंट के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। हम क्या करते हैं, रिएक्शन कोशेंट को वी ट्रीट जस्ट लाइक यार इट इज अ सेकेंडरी क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वी डू नॉट रियलाइज दैट यार कि एक्चुअली रिएक्शन कोशेंट इज द मेन कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज सबसेट ऑफ रिएक्शन कोशेंट और यू कैन से दैट के स्पेशल केस, रिएक्शन कोशेंट का स्पेशल केस होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी जान ये है, इसको समझना जरूरी है। ये एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फंसाया जाएगा। पहला पॉइंट मैंने बताया था, पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये पहचानना कि वेदर यू हैव बीन गिवन अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आप लिख लो और भाई सारी ज़िंदगी एनालाइज करो, पता चलेगा कि यस ये वो पॉइंट था। बुक्स में पता नहीं क्यों नहीं लिखते हैं, काम बढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स का। अब मेरा काम है, मैंने जन्म लिया है काम आसान करने के लिए आपका। सो भाई मैं सबसे पहले वही बातें करता हूँ जिससे काम आसान हो जाए। मुझे नहीं पसंद कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो, मुझे पसंद है कि चीज़ें बिल्कुल आसान हो, जितना आसान हो सकता है। जितना बेटर समझें उतना आसान करें, जितना आसान होगा उतना और ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ओके सो क्या बता रहा था कि ये रिएक्शन कोशेंट और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी से सारी बातें होने वाली है। देखिएगा अगर आप कहते हैं ना इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब होता है ना कि स्टेबिलिटी। देखिए हमने ग्राफ बनाया था और कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। ग्राफ चाहे ऐसे गया हो, देखिए अगर आपने इधर रिएक्टेंट रखा, यहाँ पर रिएक्टेंट रखा है ना, और यहाँ पर प्रोडक्ट रखा और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आकर के क्या हो गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। दिस इज एक्चुअली द मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज हियर फॉर बोथ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। So can you say that के system is at maximum stability? Yes, बिल्कुल कह सकते हैं ना, for both reactant and product। So क्या कहेंगे हम कि ये ना, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ना मैक्सिमम स्टेबिलिटी का पॉइंट है। डेल्टा जी जीरो मैक्सिमम स्टेबिलिटी फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी गाइस, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड पता है यार स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी यार इनवर्स, है ना। स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, ठीक है। सो यहां पर हमें पता चला पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर जो एक्सप्रेशन मैंने अभी डिस्कस किया था, हमारे पास दो क्वांटिटी Q एंड K। सो यहां पर मैं क्या लिखूं, कौन सी क्वांटिटी पे काम करेंगे, Q और K। यहां पर कौन सी क्वांटिटी यूज होगी ये बताओ। यहां पर एक्चुअली हमें लिखना है, देखो क्या लिखेंगे, वी हैव टू एक्चुअली राइट दैट कि Q इज इक्वल टू K। दिस इज द पॉइंट, हमें ये बताना चाहिए एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू K। और पता है Q इक्वल टू K लिखने का मीनिंग ही पता है अब क्या फिक्स हो गया, दैट मीन्स कि Q इक्वल टू K दैट मीन्स एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया कि ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। Q इक्वल टू K एक्चुअली शोज दैट कि हाँ अब इक्विलिब्रियम है। इफ Q इज नॉट इक्वल टू K देयर इज नो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं है। सो इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश की जाएगी। क्यों अचीव करने की कोशिश की जाएगी, अरे भाई अचीव करने की कोशिश की जाएगी ना अगर स्टेबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। अगर स्टेबिलिटी मैक्सिमम नहीं है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव करने की पूरी कोशिश की जाएगी रिएक्शन में। दिस इज द पॉइंट कि इफ द स्टेबिलिटी इज नॉट मैक्सिमम so the reaction will have a tendency to achieve that state, that configuration of maximum stability, है ना। so stability achieve करने के लिए ना reaction हमेशा कोशिश करते रहेगा। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, कुछ भी किसी भी तरह से disturb करने की कोशिश करो reaction को, कैसे भी disturb करने की कोशिश करो। reaction तो एक ही काम के लिए जी रहा है, उसको maximum stability चाहिए। आप चाहे कुछ भी कर लो, रिएक्शन तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए जी रहा है। आप उसे कितना भी डिस्टर्ब करो, उसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए ही काम करना है। आप डिस्टर्ब, मान लो वो स्टेबल कंडीशन में है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर है, वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किए हुआ है, रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का कॉन्फिगरेशन अचीव्ड है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम है। अब आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो फिर से वापस जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव करने, फिर से डिस्टर्ब करो, फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा। आप उसको जैसे डिस्टर्ब करोगे, आपने जो भी डिस्टर्बेंस उस पर डाला होगा उस डिस्टर्बेंस को वो खत्म करने की कोशिश करेगा, सो दैट कि उसका इक्विलिब्रियम वापस आए, समझ रहे हैं? और इक्विलिब्रियम वापस आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम की, सो इक्विलिब्रियम आना ही आना है, आएगा ही आएगा। आप डिस्टर्ब कीजिए ना बार बार, आप प्रेशर बढ़ाओगे वो प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा, आप मोल्स बढ़ाओगे रिएक्शन बोलेगा मोल्स कम करो, इसने मोल्स बढ़ा दिए। वॉल्यूम बढ़ाओगे वो वॉल्यूम कम करने की कोशिश करेगा। आप जो भी काम करना चाहोगे ना उसको उसका वो रिवर्ट करेगा, जो आप जिस तरह से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे उस डिस्टर्बेंस को वो खत्म करने की कोशिश करेगा। इस प्रिंसिपल का नाम भी ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जिसमें यह कहा जाता है कि आप जो भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे रिएक्शन उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने की कोशिश करता है, सो दैट कि उसका इक्विलिब्रियम बचा रहे, उसका इक्विलिब्रियम बचा रहे, इक्विलिब्रियम लूज नहीं करना चाहता। सो गाइस, अब ये मुझे बताओ कि व्हाट अबाउट Q, कैन यू से दैट कि यस Q इक्वल टू K मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड इट इज इक्विलिब्रियम, है ना? Q पहले मैंने दिखाया, Q एक एक्सप्रेशन के थ्रू बताया मैंने कि भाई अगर जो एक्सप्रेशन था, जो लॉ ऑफ मास एक्शन से जो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, वो एक्सप्रेशन अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू RF इक्वल टू RB करके जब हमने एक्सप्रेशन से निकाला रेशियो, तो वो रेशियो अगर टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर निकालेंगे तो वही रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहला जाएगा। इनफैक्ट के Q को ही आप K बोल दीजिए, बिकॉज के Q के पास ब्रॉडर सेंस है, Q से बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं, है ना? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हम Q के टर्म से बहुत अच्छे बना सकते हैं, जैसे हमने एक बना लिया Q इक्वल टू K रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम। सो व्हाट डज Q नॉट इक्वल टू K रिप्रेजेंट्स? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मींस के देयर इज नो इक्विलिब्रियम, यू हैव टू अचीव इक्विलिब्रियम, यू हैव टू फाइट फॉर इक्विलिब्रियम, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम के लिए फाइट करना पड़ेगा। ये डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। दो तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, या तो Q ग्रेटर देन K हो जाएगा या Q लेस देन K हो जाएगा। आप बताओ तो इससे ज्यादा टाइप का कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है? नहीं। और वैसे तो अच्छा है, क्योंकि यही दो डिस्टर्बेंस हमारी जान ले लेते हैं, इन्हीं को समझने में, इन्हीं के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारे लिए आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है। सो यस, इज दिस यूजफुल फॉर क्लास 10th? यूजफुल तब होगा जबकि आप आगे जो है फ्यूचर में फिर जो है आप 11th पढ़ना चाहते हो तो है ना? तो अगर नहीं पढ़ना चाहते हो 11th वाला तो क्या ही यूजफुल होगा यार। अभिषेक सुदनो सर, कैटलिस्ट रोल, हाँ जी कैटलिस्ट का रोल आता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं करने वाला, है ना? सो कैटलिस्ट इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन बट इज नॉट गोइंग टू अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट कैन ओनली चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट कैन नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के स्टेट को वो अल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ओके सो गाइस, अब दूसरी बात है क्या है भाई, कि आप ध्यान रखो कि फेजेस के पॉइंट को सीख लो। देखो फेज जो है ना आपके डिस्कशन में जो डिस्कशन में आते हैं फेजेस, वो प्योर सॉलिड होते हैं और प्योर लिक्विड होते हैं। और देखो ये प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड और साथ साथ क्या, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के एक्वस फेज और एक फेज हमारा गैसियस फेज। एक काम करते हैं, गैसियस पहले लिख लेते हैं और एक्वस, ठीक है? देखिए प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के फेज को कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला फेज कहा जाता है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला, कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला फेज, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाला फेज। और देखिए गैसियस और एक्वस ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वेरिएबल कंसंट्रेशन वाले फेज। ये वेरिएबल कंसंट्रेशन वाले फेज अभी के लिए आप इसे याद रखेंगे, अभी एक्सप्लेन करने पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन वाला फेज और वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला फेज है। सो ये इससे क्या फायदा, ये बात दिमाग में क्यों रखनी है? इसलिए रखनी है क्योंकि ना we are always interested। अच्छा वो क्यों हुआ है वेरिएबल और कांस्टेंट, ये अभी नहीं बता रहा, ठीक है, अभी दिमाग में रखिए, ये अभी टाइम के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी इसलिए बताया बिकॉज के एट दिस स्टेज when we will be writing the expression of equilibrium constant तो उस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो बताते हैं, है ना, बट उसका भी एक्सप्लेनेशन बचा है, वो बताएंगे आपको क्यों ऐसा है, बट थोड़ा पढ़ने पर, शुरू में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बोरियत ज़्यादा आ जाएगी, वो नहीं चाहता मैं, अब वो करना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सॉल्विंग वगैरह होने लगे तो फिर जो है ना अच्छा लगता है, थोड़ा वैसा पॉइंट है वो कि थोड़ा वो टाइम लेता है, और क्या है कि उसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ज़्यादा ईजी वे में नहीं हो सकते, थोड़ा उसमें ना आपको टाइम दे करके समझना पड़ेगा तो कहीं बोरियत ना आ जाए, इसीलिए मैंने अभी रोका उसको। आप पहले ध्यान में रखो कि वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दोज स्पेशीज, दोज फेजेज, इंटरेस्टेड इन दोज स्पेशीज विच हैव वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन। सो वी आर ऑलवेज ना इंटरेस्टेड इन वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशंस, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ना एक्चुअली दे हैव लार्जर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, गाइस दे हैव लार्जर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ना ये लार्जर इफेक्ट डालते हैं, ज्यादा इफेक्ट डालते हैं इक्विलिब्रियम पर। क्या करते हैं? ज्यादा इफेक्ट डालते हैं इक्विलिब्रियम पर, बहुत ज्यादा, वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन वाले। तो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन वाले कौन कौन से हैं बताओ? वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं गैसियस, और मैंने बताया वह गैसियस फेज से रिलेटेड पढ़ाई वो केमिकल इक्विलिब्रियम की चीज है। आयनिक अगर आपने एक्वस फेज से रिलेट करके पढ़ाई की दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो गैसियस एंड एक्वस सॉल्यूशन फेज, समझ रहे? प्योर लिक्विड नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, नॉट प्योर लिक्विड, नॉट प्योर लिक्विड, सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, नॉट प्योर लिक्विड, समझ रहे हो? प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड अलग है। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, समझिए। गैसियस फेज और एक्वस फेज, ये दो फेज है जो वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन है, हम इनमें इंटरेस्टेड होते हैं, और They have larger effect on equilibrium. तो पढ़ाई हम उनकी करेंगे ना ज्यादा, जिनके इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के इतने कम आते हैं इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर, इतने कम इफेक्ट आते हैं इक्विलिब्रियम पर कि हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब इग्नोर कर देते हैं तो क्या होगा उससे फायदा? इग्नोर कर देने से क्या फायदा होता है? ऑब्वियसली हमारी पढ़ाई आसान हो जाती है, ठीक ऐसे जैसे कि फ्रिक्शन को इग्नोर करने से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे काम आसान हो जाता है। मासलेस पुली होती है तो मासलेस पुली पर जो है मासलेस पुली का मास लेकर के सॉल्विंग करते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह बहुत टफ हो जाता है फिजिक्स की सॉल्विंग। और मासलेस स्ट्रिंग लेकर के काम करते हैं तो अब मुझे तो हंसी आती है फिजिक्स पे, मासलेस स्ट्रिंग पे बंदर लटका देते हैं, कैसे होता है ये? देखे नहीं HC वर्मा में कितने एग्जाम्पल्स हैं, है ना, न्यूटन्स लॉ में। मासलेस स्ट्रिंग पर लिखा रहता है अ मंकी इज बीइंग हैंग्ड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, अ ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। क्या ही मजा आ गई है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, रोहित सर को रोस्ट करते हैं, आने दो यार, मुझे याद आ जाए बस, रोहित सर को रोस्ट करते हैं ऐसे ही। पकड़ते उन्हें, क्या करते हो भाई, ये क्या फिजिक्स है? सिर्फ एजम्पशन पे चलते हो, है ना। चलो कोई नहीं, वैसे फिजिक्स बड़ी मजेदार चीज़ है यार। हाँ, बट ये थोड़ी ना मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस पुली, क्या सब कुछ मासलेस कर दो और बाद में ये बोलो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वाह वाह वाह, और सब कुछ मासलेस है। चलो सो फॉर केमिस्ट्री, हे सो अब सब कुछ ऊपर से जा रहा है ना, यहाँ पे तो सब तो बहुत सारे दिख रहे हैं मुझको, 10वीं वाले सब तुम लोग जो है गप्पे मारने के लिए आए हुए हैं ना, ऊपर से तो जा रहा होगा सब। चलो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ समझ में आए। सो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि क्यू के बारे में, कि रिएक्शन कोशेंट है क्या। रिएक्शन कोशेंट, एक्चुअली रिएक्शन कोशेंट ही ये एक्सप्रेशन है ना, जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था उस जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये एक्चुअली रिएक्शन कोशेंट है। अगर आपने टाइम इक्विलिब्रियम का डाला तो ऑब्वियसली हमें Q को क्या लिख देंगे, हम K लिख देंगे। अगर टाइम इक्विलिब्रियम का नहीं है दैट मीन्स कि Q इज नॉट इक्वल टू K, और फिर दो में से कोई एक चीज आएगी, Q ग्रेटर देन K आएगा या Q लेस देन K आएगा, ठीक है, ये तो समझ गए आप। अब इसके बाद मैं क्या बता रहा हूं कि जो रिएक्शन कोशेंट है आपके लिए ना, इसको समझ करके रखिए, यही आपको बताएगा कि इक्विलिब्रियम है या नहीं। आप ना अक्सर मैथमेटिकली देखिएगा जो वैल्यूज, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी वैल्यूज दे रहते हैं ना क्वेश्चन में, उनसे हम ये चेक करते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आपको दी गई है या डिस्टर्बेंस की सिचुएशन दी गई है। अगर आपको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया होगा तो चिल, काम आसान है। काम तब बढ़ जाता है हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन ने हमें ऐसा डेटा दिया है जिससे साफ पता चल रहा है कि डिस्टर्बेंस है। समझ रहे? अब देखिए क्यू और के, कोई बोलेगा कि सर क्यू का ही स्पेशल केस तो के होता है, तो क्यों क्यू और के अलग अलग करके पढ़ना? अरे यार, अलग अलग करके पढ़ने से फायदा हो रहा है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन रहा है, और अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा तो हम ना सॉल्विंग वगैरह ढंग से कर पाएंगे, समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे लोगों को कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है ना। सो अगर मुझे क्यू और के एक्सपेरिमेंटली मैंने क्यू के बारे में पता लगा लिया है, और जो फिर मुझे जो एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे देखो, ये जो के होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी दिए गए टेम्परेचर पे इसकी कोई एक वैल्यू होती है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर जब डिपेंड करेगा तो किसी दिए गए टेम्परेचर पे इट विल हैव अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, या आप बोल सकते हो इसके पास कोई एक वैल्यू होगी किसी दिए गए टेम्परेचर पर, ठीक है। अब इसकी कोई एक वैल्यू होगी दिए गए टेम्परेचर पर, बट एक्सपेरिमेंट करते समय मैंने निकाला रेशियो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, लॉ ऑफ मास एक्शन वाला, क्यू की वैल्यू निकाली और मैंने पाया कि क्यू तो के बराबर नहीं है। तो मुझे समझ आ गया कि दिए गए सिचुएशन में इक्विलिब्रियम नहीं है, डिस्टर्बेंस है। नाउ दिस डिस्टर्बेंस हैज टू बी रिमूव्ड एंड वी हैव टू मूव द रिएक्शन हैज टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अगर डिस्टर्बेंस है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने जाएगा। अब अचीव कैसे करेगा ये भी डिस्कशन होगा आगे, बट डिस्टर्बेंस है तो इक्विलिब्रियम अचीव करने जाएगा, है ना। और अगर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है तो ठीक है, चिल है, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन है। अब ये देखो टाइप्स ऑफ क्यू। अब क्यू है तो के भी टाइप्स लिख सकते हैं आप, तो कितने तरह से अलग अलग तरह से लिखा जाता है क्यू को या के को। देखिए प्रेशर के टर्म्स में भी लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी लिखा जाता है, मोल के टर्म्स में भी लिखा जाता है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिखा जाता है, और लिखा जाता है प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों के टर्म्स में, पीसी मींस प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों के टर्म्स में। अब केपी लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली क्यूपी का भी डिस्कशन कर सकते हैं, क्यूसी भी कर सकते हैं, क्यूएन भी कर सकते हैं, है ना, क्यूएक्स भी कर सकते हैं, और यहाँ देखिए केपीसी क्यूपीसी भी लिख सकते हैं। ये वाला यूज होता है किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दिस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ये यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। समझ रहे? अब देखिए सभी लोग ये केपीकेसी वाला पार्ट ना ज्यादातर लोग जानते रहते हैं। सो सपोज दैट मैंने एक गैसियस रिएक्शन लिया और बोला कि इस गैसियस रिएक्शन के लिए ना फटाफट एक काम करो, मुझे ना लिख करके दिखाओ केसी। तो केसी लिखना बहुत आसान है, ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है ना। ऑलरेडी जब हम ये बॉक्स में लिखते हैं ना, बॉक्स का मीनिंग ही होता है कॉन्सेंट्रेशन, बता रहे हो आप, तो ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में वैसे लिखेंगे जैसे हम पहले से लिखते आ रहे थे, बिकॉज बॉक्स इज एक्चुअली व्हाट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ इट्स कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विथ इट्स कोएफिशिएंट, उसी तरह से ए और बी लिख दिया ऐसा, ठीक है। बट जब केपी लिखेंगे ना दैट मीन्स वी हैव टू यूज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब उसका इंडिविजुअल प्रेशर, सो पी सी टू द पावर सी, पी डी टू द पावर डी, पी ए टू द पावर ए एंड पी बी टू द पावर बी। बस पूरा एक्सप्रेशन वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर क्या आ जाता है? प्रेशर आ जाता है, ठीक है, डन। अब आपको ये तो रिलेशंस पता ही है गाइस, पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना। सो सपोज दैट ए बी सी डी ऑल आर इन वन कंटेनर। अब ये अगर एक ही कंटेनर में है, अगर ये एक ही कंटेनर में है ना, तो उस कंटेनर का वॉल्यूम सबके लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। और ये तो आपको पता ही है, ये तो जन्म जन्म से कांस्टेंट है। सो एक्चुअली जो पी है किसी भी, जो पी होगा किसी भी गैस का, दैट विल बी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स, है ना। बाकी वॉल्यूम विल बी कॉमन फॉर ऑल स्पीशीज, टेम्परेचर विल बी कॉमन फॉर ऑल स्पीशीज। सो आप यहां से क्या कर सकते हो, ये बात तो आपको मैंने समझा दी कि हर गैस का जो प्रेशर है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स की वजह से, बट आपको अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है सी पर, है ना, तो आप लिख सकते हो ना पीसी इंटू बी इक्वल टू एनसी इंटू आरटी। देखो तो लिख सकते हो ना, NCERT नहीं है NCERT है PC into V। वैसे आप लिख सकते हो PA मल्टीप्लाइड बाई वी इक्वल टू NA इंटू RT बाई वी, ये सब काम कर सकते हो आप, ठीक है। चलो वैसे ही आप PB के लिए लिख सकते हो PB इंटू वी इक्वल टू NB इंटू RT बाई वी, ये सब काम आप कर सकते हो। चलो तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, बच्चों वाली चीज़ें, तो मैं बस एक झलक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी ये तो ऑलरेडी हो चुका था PD आई थिंक, है ना, आई हैव टू पुट PD। सो आपको ये तो दिख रहा है ना, आप इस तरह से सारे एटम्स के लिए, सारे जो भी गैसेस हैं उनके लिए लिख सकते हो। अब सपोज दैट मैं बोलता कि यहाँ PC को चेंज करो, तो PC को आप ऐसा लिख सकते थे ना, देखो NC मल्टीप्लाइड बाई RT डिवाइडेड बाई V लिख सकते हो, तो इस PC की जगह पर ना ये वैल्यू पुट कर सकते हो। वैसे PD की जगह पर पुट कर सकते हो NDRT बाई V। तो इस तरह से ना वैल्यूज को पुट करो। जब आप पुट करोगे, अरे यार ये क्या हो रहा है, जब आप वैल्यूज को पुट करोगे गाइस तो देखो क्या आ जाएगा। KP हमने ऐसा लिखा था PC टू द पावर C, PD टू द पावर D, PA टू द पावर A एंड PB टू द पावर B, ऐसा लिखा था, ठीक है। अब इसमें हर जगह आप क्या करोगे, ये सब काम कर दोगे फटाफट, ये पुटअप कर दो, ये पुटअप कर दो, ये पुटअप कर दो, ठीक है। चलो ये हल्का से मैंने आइडिया दे दिया, इस पर सारे फॉर्मूले का मैं नहीं दूंगा, अपन इतना टाइम नहीं लगाएंगे, बट फार्मूला डायरेक्ट फिर दिखा देंगे। कॉन्सेप्ट वाली कोई भी चीज़ जो है मैं छूटने नहीं दूंगा भाई, आजा, हाँ आ गया। सो अब क्या करो, यहाँ से RT बाई V को ना कॉमन निकाल दो, देखोगे क्या बचेगा। RT बाई V को मैंने कॉमन निकाल दिया दोस्तों, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, RT बाई V कॉमन निकल गया। बट RT बाई V जब कॉमन निकलेगा ना, तो देखो यहाँ पर C था, C प्लस D, C और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे C प्लस D, और नीचे से आएगा A और B माइनस A प्लस B, दिख रहा है, हाँ दिखना चाहिए, ये RT बाई V। और क्या क्या बच गया देखना, यहाँ से NC बच गया है, ND बच गया, NA बच गया, NB बच गया। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप N के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला बाहर निकाल करके लिख सकते हैं, है ना। ये मैं यहीं पर लिखूं तो अच्छा होगा, NC to the power C, ND to the power D, divided by NA to the power A, NB to the power B, देखा लिख दिया, and RT by V is out। RT by V के ऊपर एक पावर आएगा, वो पावर क्या था, C plus D minus A plus B। So C plus D is the actually the number of moles of product, और A plus B क्या, number of moles of reactant। देख रहे हो आप, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या कहलाता है, डेल्टा N कहलाता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स का आप क्या लोगे, डिफरेंस लोगे, तो वो यही कहलाएगा। सो यहाँ RT के पावर ना ऊपर में क्या आ जाएगा, डेल्टा N आ जाएगा दोस्तों, डेल्टा N या डेल्टा NG हम अक्सर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम गैसियस स्पेशीज से ही रिलेट करके वैल्यू लेते हैं, किसी और स्पेशीज से नहीं, कोई सॉलिड नहीं, कोई लिक्विड नहीं। तो डेल्टा NG आता है, डेल्टा NG मैं थोड़ा क्लियरली दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख दूं। अब देखो ये जो वैल्यू बनी है, ये भी बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के जैसा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में। सो दिस इज कॉल्ड KN, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। लिखा था ना मैंने अभी, 5 जो टाइप्स होते हैं उनमें से एक टाइप ये भी है, 5 जो टाइप्स होते हैं उनमें से एक टाइप ये भी है। तो अब यहां से ना देखो क्या दिखाया मैंने, KP और KN का रिलेशन दिखाया। ये डेल्टा NG क्लियर हो रहा है क्या भाई, डेल्टा NG थोड़ा मुझे ना क्लियर लिखने दो। तो RT बाई V टू द पावर डेल्टा NG, ये लिख दिया, ठीक है, डेल्टा NG। अच्छा यहां देखना, ये आप ना KP और KN के बीच में निकाला, आपको 5 टाइप बताए, KP KC KX KN और KPC। सो KP KC के बीच में भी रिलेशन दिखा सकते हो, और इनफैक्ट वो याद होता है सबको, मैंने इसीलिए डायरेक्टली पहले KP और KN का दिखाया। KP KC का सबको याद होता है, KP इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा NG, है ना, सबको याद होता है भाई। ओके तो मैंने KP और KN का निकाला, आप KP और KC का भी देख सकते हैं। देखिए KP KC का कैसे देखेंगे, यहाँ पर ना लिखा हुआ है NC RT बाई V, ओके। सो इस NC बाई V को देखिए, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C लिख दीजिए, उसे मल्टीप्लाइड बाई RT लिख दीजिए, टू द पावर C लगा दीजिए, ठीक। वही काम कीजिए, देखिए ND बाई V को देखिए, दिस ND बाई V कैन बी रिटेन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D मल्टीप्लाइड बाई RT टू द पावर स्मॉल डी। ठीक है, फिर वैसे ही काम कीजिए यहां पर भी। एन ए बाई वी था ना, तो इसे लिख दीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आर टी टू द पावर ए, ऐसा लिख दीजिए। और यहां पर लिख दीजिए इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी टू द पावर बी लिख दीजिए। अब देखिए आर टी हर जगह से कॉमन निकाली, सो आर टी टू द पावर ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई, देखिए कॉन्सेंट्रेशन वाले सारे टर्म को एक साथ कर लीजिए, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, है ना, डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर पी। इतना डेरिवेशन मुझे दिखाना नहीं था, बट यार चलो मैंने सोचा ठीक है आप देख ही लो। अब इस पूरे को देखो, ये ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा एन जी लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा टर्म है आपको पता है, ये पूरा टर्म क्या बन जाता है, केसी बन जाता है। चलो फटाफट दिखा दिया मैंने। तो दो तरह के फॉर्मूले आए, दोनों फॉर्मूले को ना मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, केपी और केसी का फॉर्मूला बता दो क्या आया था, केपी केसी का फॉर्मूला ये सबको याद होता है, बट अब ये याद होकर के पता नहीं अब इसके आगे फॉर्मूला ये अब अभी तक देखो कोई, अभी तक देखो इक्विलिब्रियम के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैंने शुरू में ही डिस्कशन कर दिया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी हाई होना वेरी लो होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये अच्छे से आना चाहिए, इसके डेप्थ में भी हम जाएंगे। बट अभी मैं बेसिक्स वाला पार्ट ही खत्म करा रहा हूँ, बेसिक्स वाला पार्ट खत्म होकर के चैन मिल जाएगा, बस एक दो बातें और हैं, फिनिश हो जाएंगे तो एकदम चिल्ड आउट हो जाएंगे। अब हम वी कैन फोकस कि यस अब सॉल्विंग वगैरह कैसे करते हैं, उनके पॉइंट्स जानने होंगे, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना। बाकी थ्योरेटिकल सेक्शन में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है जिसकी झलक मैंने ऑलरेडी दे दी है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम आप जो भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हो उसे खत्म करना चाहता है, तो आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, प्रेशर बढ़ाना तो वो प्रेशर कम करना चाहिए, ये बेसिक ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बट इसको यूज़ कैसे करते हैं, अप्रोच वाला सेक्शन दिखाना जरूरी है। ओके, अभी एक केन के साथ भी रिलेशन लिखा था। अब मेरी बातें आप लगता है कुछ ज़्यादा ध्यान से सुन रहे होगे तो ये फॉर्मूला भी भूल गए होगे है ना। देखो इसे आप ऐसा लिख सकते हो भाई, आर टी बाई वी की जगह ना आप टोटल मोल्स वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हो। देखो तो पी टी बाई एन टी, यू कैन ऑल्सो राइट पी टी बाई एन टी टू द पावर डेल्टा एन जी। जरा देखना, पी टी बाई एन टी टू द पावर डेल्टा एन जी कैन ऑल्सो बी यूज, क्या यूज कर सकते हैं जरा बताइएगा। आर टी बाई वी और डेल्टा एन जी है, ठीक है। अब ये पी टी बाई एन टी है, पी टी बाई एन टी टू द पावर डेल्टा एन जी, देखिए क्यों, क्योंकि पी टी कैन बी रिटन एज एन टी इंटू आर टी बाई वी, लिख सकते हो ना आप ऐसा, पी वी इक्वल टू एन आर टी से टोटल प्रेशर के लिए टोटल मोल यूज कर लिया मल्टीप्लाइड बाई आर टी बाई वी, सो दैट वी कैन राइट आर टी बाई वी इक्वल टू पी टी बाई एन टी। देखा, अब देखो ये था नंबर ऑफ मोल्स वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हर जगह नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दोगे टोटल मोल से तो बन जाएगा मोल फ्रैक्शन। आई बात समझ, तो इसी फॉर्मूले को ना, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ना देखिए ये मोल का, मोल वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको डिवाइड कर दिया हमने, उसके हर एक टर्म को ए बी सी डी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सबको टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करेंगे ना तो बन जाएगा मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स क्या बन जाता है, मोल फ्रैक्शन। तो ये देखिए मोल फ्रैक्शन बन गया है के एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी टी टू द पावर डेल्टा एन जी। देखा, ये फॉर्मूले बन गए। तो केपी के एक्स केसी का रिलेशन, केपी के एन का रिलेशन, केपी के एक्स का रिलेशन, सारे के सारे आ गए। अब ये वाला रिलेशन तीसरा रिलेशन है, ये तीनों रिलेशंस को देखिएगा, मैं मार्क कर रहा हूं और बता रहा हूं सबसे ज्यादा डिस्कशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसाने वाले किस पे आते हैं, ये सेकेंड नंबर वाले पे आते हैं, सेकेंड नंबर पे आते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, ये कोई नहीं भूलता, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे देखिए, ये दिस इज द थर्ड वन, ये थर्ड वन, बट सबसे ज्यादा फंसाने का काम सेकंड वाले पे करते हैं। मैंने मार्क किया भाई, ध्यान रखना इनर्ट गैस के एडिशन में वो फॉर्मूला यूज होता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन कैन वी राइट Kp इज इक्वल टू Kc। बड़ा बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर फटाफट कर ही देते हैं, है ना। सो मुझे नहीं लगता कि कोई रुकेगा सही आंसर देने से। देखो फटाफट बताओ दो सारे लोग जानते हैं इसका आंसर, बता दो। ऑड टाइम टू, ऑड टाइम टू टू, पक्का ना, क्योंकि देखो आप गलत हो। IOQC IOQJS के क्लास लगाओगे और मल्टीपल करेक्ट ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे पॉइंट्स मिल गए भाई। रोमो, रोमो के पॉइंट हो गए 1 वर्सेस आर्मी मतलब आप लोग, इनके पॉइंट हो गए 0। लड्डू ऐसा क्यों है? देखिए ये ठीक है, ये सबको पता है कि डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, ये तो सभी जानते हैं यार, बट ये नहीं जानते हैं। सो मैंने फंसा लिया यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा रियलाइज हो गया अभिषेक। देखिए केपी इक्वल टू केसी, तो यहाँ से पता चल गया ना, केपी इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, आपने लिखा है ऐसे केपी इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन जी, इसको लड्डू कर दिया, 0 कर दिया, तो ये वाला पार्ट 1 हो गया। घुमा फिरा के केपी इक्वल टू केसी का मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअली आरटी टू द पावर डेल्टा एन जी। मैं मानूंगा कि मैथ्स का ध्यान नहीं रखते हो आप। आरटी टू द पावर डेल्टा एन जी इक्वल टू 1, सो डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 इज वन सॉल्यूशन, एंड ऑल्सो आरटी टू द आरटी इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। So temperature will be 1 by R, and 1 by R means 1 by 0.082, and that comes out to be equal to almost 12 Kelvin. Good morning, good morning. है ना, बढ़िया था ना, चलो। तो ये होते रहता है यार, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे फंसा लेता हूँ मैं तो है ना, चलो। बाकी ये प्रॉपर्टीज ऑफ ये देखो जरा, ये सबको पता होता है। Now we can go for the question, और एक ये भी ले सकते हैं शायद, आई थिंक दैट की यस, ब्रेक भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या क्यू भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है, पता है। क्यू का ही स्पेशल केस के है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ के साथ साथ क्यू दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपकी गंदी आदत खत्म हो जाए सिर्फ के बोलने की। आपको याद रहे क्यू का ही स्पेशल फॉर्म के है, एंड क्यू इक्वल टू के रिप्रेजेंट्स नो डिस्टर्बेंस, दैट इज इक्विलिब्रियम, दैट इज मोस्ट स्टेबल कंडीशन। समझ रहे? सो प्रॉपर्टीज ऑफ के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी क्या है? तो एट कांस्टेंट, अच्छा पहले तो ये लिखा जाए। देखिए क्या है, केपी केसी, ये ना हमारे क्या है, मोस्ट यूजफुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पॉइंट्स सुनते जब, बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, और यहाँ पे बहुत फंसेंगे क्योंकि पॉइंट्स एकदम नहीं पता होते हैं दोस्तों। ऐसा बुरा फंसाएंगे ना कि बस बैड बच जाएगी, एकदम सीधे ही गलत। आपको दिखाया मैंने ना, अभी छोटी सी बात थी वहाँ पर, लेकिन बहुत चुटकी में फंसा गया आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत चुटकी में फंसा जाएंगे, और कई जगह पे तो बहुत ब्लंडर हो जाता है। सो केपी केसी मोस्ट यूजफुल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स है, केएक्स के एन नहीं है, इतने यूजफुल था ना एक, तो यहाँ पर क्लियरली लिख दे नॉट केएक्स के एन। अच्छा एक पाँचवा भी था, डू यू रिमेम्बर, केपीसी। तो केपीसी मैंने बताया था कि वो इक्विलिब्रियम वो जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है। हाँ केपीसी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है 12th में। ठीक है, सो वो वहां पे यूजफुल है। वैसे हम यहां की बात करें, केपी केसी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट सुनिए ध्यान से, केपी केसी depend only on temperature but kx kn। देखिए सब ना फेवरेट पॉइंट्स है मेरे, एकदम बहुत बहुत फेवरेट पॉइंट्स है। कॉन्सेप्ट्स अच्छा करने के लिए मेरे फेवरेट पॉइंट्स है, मैं ये अरेंज करके बताता हूँ कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, और एक्चुअल जो आप चीज़ें सीखेंगे अभी अप्रोच वाले सेक्शन में, जहाँ पर ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में बताने लगूंगा, वो वहाँ पर इन सब का यूज़ होने लगेगा और वहाँ माइंड बहुत अच्छे से ओपन होगा। बट आप यहाँ पर से ध्यान से सुनते जाइएगा, अच्छा ऐसा सब बताया सर ने, तो जब अप्लाई कर रहे होंगे तो मज़े होंगे। केपी केसी डिपेंड ऑनली ऑन टेम्परेचर बट केएक्स केएन डिपेंड ऑन प्रेशर ऑल्सो। समझ रहे ना? और पता है आपको, इनमें से ज़्यादातर पॉइंट पता ही नहीं होते लोगों को। लोग ऐसे इक्विलिब्रियम को ना हल्के में ले लेते हैं फिर, और फिर बाद में उनको भारी लगता है। अब तुम शुरू में हल्के में लोगे तो बाद में वो भारी लगेगा ही। सो मत लो कभी भी हल्के में ओके, सो 2 पॉइंट में third point, Kp is more important than Kc in chemical equilibrium. ऐसा क्या भाई, क्यों Kp ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हाँ, सिंस Kp इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिएगा दो सबसे गंदी क्वांटिटीज हैं, एक इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये बहुत हमें ना तंग करता है, फंसाता है, कैलकुलेशन को लेंदी करता है, तो इनिशियल मोल्स। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये ना बहुत ही, ये दोनों क्वांटिटीज बहुत सरदर्द क्वांटिटीज हैं, तो Kp इनसे इंडिपेंडेंट होता है। मैं दिखाऊंगा आगे कैसे होता है, बट अभी फटाफट एक बार ना एक झलक दिखला जा रहा हूं मैं, झलक दिखला जा, सोनू निगम ने गाया था, याद ही होगा आपको। मेघना निम्बलकर, हाय सर, हेलो मेघना, व्हाट्सअप। म्यूजिकल टाइम विद नाइल, हाय सर, यू ग्रेट, ओ हो पाए लागू, थैंक यू सो मच, बट यू आर ग्रेटर देन मी। तो प्यारे प्यारे वर्ड्स लिख रहे हो आप। सर आप आज इग्नोर योर नहीं कर दोस्ता, देखो IOQC के सेक्शन में बातें नहीं हो पाएंगी ज़्यादा, IOQJS में कर सकते हैं, वो चिल्ड आउट सेशन है। IOQC में काम ही बहुत होता है, सब बहुत मुश्किल है, IOQC बहुत एग्जॉस्टिव सेशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा। हाँ नमस्ते नमस्ते मोक्षित, हेलो सर, आई एम हियर, हाय भाई, क्या हाल चाल, कैसे कैसे आना हुआ। चलो फिर बढ़ा जाए, मैंने बता दिए पॉइंट्स, ध्यान में रखेंगे और अभी इनको अप्लाई करके, अभी जब सॉल्विंग और अप्रोच वाला सेक्शन आएगा, अभी हमारा बेसिक्स वाला सेक्शन चल रहा है, फिर अप्रोच वाला सेक्शन है, और फिर बेसिक्स और अप्रोच के बाद कौन सा सेक्शन बताया बताइए, अप्रोक्सीमेशन वाला है ना, ठीक है। सो ये बताया मैंने कि Kp क्यों इंपॉर्टेंट होगा, Kc से ये सिखाया, Kp क्यों इंपॉर्टेंट होगा, Kc से सिखाया ना, Kp क्यों इंपॉर्टेंट होगा, Kc से ये सिखाया मैंने। अब आगे Kp इंपॉर्टेंट है Kc से, ठीक है, बट और बातें देखिए। Kp Kc में कौन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर? Kp Kc दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, Kx नहीं करता है। Kp Kc से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि Kp में जो है वो इनिशियल मोल्स नहीं आते और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं आता है ना, और Kc में दोनों ही आएंगे, Kc इंक्लूड्स बोथ, सो Kc से हम दूर भागते हैं, Kc इंक्लूड्स बोथ इनिशियल मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। है ना, both are troublesome। 12 no, हाँ लेना है, ले लीजिए ले लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, तो इंक्लूड्स बोथ इनिशियल मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, तो इसीलिए ट्रबल सम होते तो हमारा ये फेवरेट नहीं होता, कोई बात नहीं यार, नहीं फेवरेट होता तो जान गए, बट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, नॉट फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब गड़बड़ मत कर देना। ओके अब आते हैं इस पॉइंट पर कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखना अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बिकॉज कि अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तब तो यार Kp Kc चेंज हो जाएगा, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होने वाला है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन रिएक्शन, देखो क्या होता है। सपोज दैट यू हैव अ रिएक्शन लाइक दिस और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, सो अगर आप ना रिवर्स कर दोगे रिएक्शन को तो अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना वो आएगा रिवर्स, इनवर्स सॉरी, पहले वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बहुत ईजी है समझना। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लीजिए B/A आएगा, और यहाँ लिख लीजिए क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली A/B आएगा, तो वो ऊपर वाले का क्या है, इन्वर्स ही है ना। तो अगर किसी दिए गए टेम्परेचर पर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी दिए गए टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दिए गए टेम्परेचर पर अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, वो साफ साफ दिख रहा है। बट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये चीज़ें करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर नहीं कर सकते ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो एक ये पॉइंट हो गया 6 नंबर। अब फिर से ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी 7th, एट कांस्टेंट टेम्परेचर when the reaction जो इक्विलिब्रियम पर है ये A to B, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाया गया K, is multiplied by a factor, तो कोई फैक्टर मान लीजिए, फैक्टर है M, तो अब रिएक्शन क्या बन जाएगा, MA से MB, है ना। और देखिए आप लिख करके देखिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, इधर लेते हैं आप, देख से फैक्टर m से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा MA to MB, राइट। और यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, यू नो दैट, कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा B/A। नाउ इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, B to the power m by A to the power m, और यहाँ से m को आप निकाल लीजिए बाहर और ये बन जाएगा B/A to the power m, करेक्ट। सो साफ पता चल रहा है कि ये अगर k डैश है तो वो K to the power m हो गया। दैट मीन्स के अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया किसी फैक्टर से तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पुराने वाला रेस टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। ये जो देखिए ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेस टू द पावर m और रेस टू द पावर दैट फैक्टर विच हैज बीन यूज टू मल्टीप्लाई द रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया वो फैक्टर चला जाएगा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, राइट। जैसे कि एग्जांपल देख लें, एक सपोज दैट आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल के यार ये SO2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाफ O2 से और बना रहा है SO3, राइट। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने दिया 10। सो फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और देखो कुछ ना बोला जाए, टेम्परेचर अपने आप कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर का कोई मेंशन नहीं है, तो जनरली दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट मेंशनड आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। सो फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता बनाना है किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ कर निकालना है किसका, SO3 वाले का। मतलब अब ब्रेक लेने की जरूरत है ना, चलो पानी वानी पी के आ जाए। अब जो है वो अपन जो है वो बोलने में गड़बड़ा रहे, सो पानी की जरूरत है, पानी में नहीं पिया जाए भाई। ओके, सो SO3 इज डिसोसिएटिंग इनटू SO2 एंड हाफ O2। सारे गैसियस ही, गैस लिखिए या ना लिखिए, सो ऐसा हो गया। इसका बताना है, नहीं इसका नहीं बताना है, ये बताएंगे तब तो मजा आएगा, वो तो बहुत ज्यादा LOL क्वेश्चन हो गया वो। इसका बताइएगा ना तब मजा आएगा कुछ। 2SO2 प्लस O2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस रिएक्शन को ना क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया है। तो K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 थी, तो पहले रिवर्स करने पे वो 1/10 हो जाएगी, है ना, नई वैल्यू। और फिर देखिएगा पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो पावर में चला आएगा, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फाइनली कितना आएगा, 1/100 आएगा। सही था ना, एकदम श्योर? हाँ, ऑसम 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 भाई। K = 10। अब देखते जाना, अब ये सब बहुत इजी है, मुझे देखना है कि अगर आप में से किसी का दम है तो फिर वो जस्ट अब इसके बाद जो सेक्शन है उसको झेल पाए, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स खत्म हो रहे हैं अब। तो अप्रोच वाला सेक्शन है, अप्रोच लेते कैसे हैं समझ रहे हैं, अप्रोच वाला सेक्शन में आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फिर रिएक्शन में वैल्यूज़ को लिखने का काम कैसे करते हैं, इनिशियल वैल्यूज़, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और नया इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़। ये सर IOQCS के लिए किस लेवल का इक्विलिब्रियम पढ़ना है? IOQCS के लिए आज का जो लेवल होगा बस वो अगले दिन जो लेवल होगा वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। IOQCS ऐसे पूछो ना मोक्षित, INJSO एंड NSEJS आज का लेक्चर, INJSO अगले लेक्चर तक जा सकते हैं। हाँ यस सो ये तो बहुत इजी था है ना। अब एक है और प्रॉपर्टी, आई थिंक दैट के हमने 7th प्रॉपर्टी कर दी ना, 8th प्रॉपर्टी होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एडिशन ऑफ रिएक्शंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ टू रिएक्शंस आर एडेड तो अगर दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो जैसे ये रिएक्शन है ए टू बी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है एंड देन X2Y है सो ये K2 है। अगर आप इसे ऐड कर रहे हैं और बना रहे हैं A+X, इससे बना रहे हैं आप B+Y, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है फर्स्ट और सेकंड का। प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है प्रूफ करना। K1 इक्वल टू लिख लीजिए B बाई ए, K2 इक्वल टू लिख लीजिए Y बाई एक्स, ठीक है। अब यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे ना, ये जो K है देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है B मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ऑब्वियसली वो K1 और K2 का क्या है, मल्टीपल है, साफ दिख रहा है, ठीक है। चलो तो ये प्रॉपर्टीज बताइए आपको। अभी आप यहाँ से सॉल्विंग शुरू करते हैं, और भी बातें इसमें बीच बीच में आएंगी, और भी बातें ऐड करेंगे। प्रॉपर्टीज के 8 पॉइंट बताएं, प्रॉपर्टीज के और फर्दर भी पॉइंट्स जाएंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में मिल रहे हैं 5 मिनट बाद। ओके सो गाइस टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल पिल। सो ब्रेक ले लो है ना। ब्रेक से मुझे याद आया किस किस ने बिना ब्रेक वाली साइकिल चलाई हुई है, हैट्स ऑफ, मैंने भी चलाई हुई है। ओके आ जाए जल्दी से पानी पी करके। बिना ब्रेक वाली साइकिल awesome. दिया आजकल सबको। देख रहा हूं मैं बहुत ज्यादा लंबे ब्रेक्स लेने लगे हो आप लोग, कुछ ज्यादा ही लंबे ब्रेक्स हो रहे हैं तुम लोगों के। कोई बात क्यों नहीं कर रहा ओके अरे कोई तो बोलो हाँ जी और बताओ गाइस, क्या हाल चाल, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले रहे हो, देख रहा हूँ मैं। अरे यार ब्रूस महान का पीडीएफ पता है क्या? एक दो बुक्स ऐसी हैं जिसका पीडीएफ ना जल्दी मिलता नहीं, उनमें से वही है, ब्रूस महान ही है। अबे खरीद लो, एक बर्गर के बराबर का तो प्राइस होता है इनका, जितना केएफसी का बर्गर नहीं आता तो उससे सस्ते आते हैं। हाय थानोस, अभिषेक वेलकम बैक। तो मैं कर रहा हूँ, मैं तो कब से आया हुआ। यो निधि व्हाट्सएप, अरे तुम लोग तो 10th वाले हो, तुम लोग क्यों कर रहे हो क्लास? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ हिट द लाइक बटन गाइस, यस। हाय प्रियांशु सिंह सर सिखाओ हैं 9th, मज़ा तो आता है आइए तो है। अच्छा मैं अभी भी आया हूँ, सो रहा था। बढ़िया भाई बढ़िया, हम भी 10th वाले हैं। सर इसके ऊपर तो जाने की ज़रूरत नहीं है ना। देख रितम, आज की क्लास तेरे NSEJS के लिए है, इतना ही लेवल रहेगा उसका, नहीं जाएगा। नहीं अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े ऊपर के हो जाएंगे अगले क्लास INJSO, उसके बाद तो समझ जाओ INJSO से भी ऊपर चला जाएगा उस 3rd क्लास। प्रियांशु कॉफ़ी है भाई? हाँ 15 स्टूडेंट, बहुत सही है, ये सुपर 15 है, सुपर 15। वरुण सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। बेसिक्स वाला सेशन हो गया, अभी आप क्वेश्चन वाला सेशन कर रहे हो। हाय मंटू सिंह, क्यों रो रहा है? अभिषेक सुधमी ऑप्शन 11th, ऑसम भाई, बढ़िया बढ़िया। चलो फिर अप्रोच सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अप्रोच लेते कैसे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है और कैसे ये आपको बेवकूफ़ बना जाती है, कैसे आपसे गलतियां हो जाती हैं, ये सब बातें डिस्कस करते हैं। मानसी जो जुड़े, अब 10th क्या है? अरे 10th वाले ही तो बवाल करेंगे मानसी। हम्म 10th वाले ही लोग से तो उम्मीद है कि और बढ़िया करेंगे, पहले से अच्छा पढ़ करके। साक्षी, मैं भी 8th में हूँ, साथ साथ 8th पास करेंगे। होगा चल देखो अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्या होता है। अप्रोच ऑफ सॉल्विंग, इसमें हमारा फोकस किन किन बातों पर है? राइटिंग एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन एकदम करेक्टली लिखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ ऑब्वियसली क्या, केपी केसी, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने, केपी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम सेक्शन का। अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम सेक्शन ही डील करेंगे, ठीक है। or understanding, क्या understand करना है भाई, यूज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे अल्फा से दिखाते हैं, ठीक है। ये तीन पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट जिनका ध्यान रखना है। अप्रोच ऑफ सॉल्विंग का मीनिंग हो गया इन तीनों पॉइंट्स को समझना है, ठीक है। तो समझने के लिए पहले तो देखो केपीकेसी को, पहले आपने वो लिखना तो देखा आपने कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के टर्म्स पे लिखना, बट शॉर्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है। राइटिंग केपीकेसी फॉर रिएक्शंस, सो इस पे क्या इंपॉर्टेंट बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास ना ये रिएक्शन है, सो ये जैसे रिएक्शन देखा और मैंने बोला कि यार देखो इसके लिए ना केपी लिखना है, तो इसका केपी बस इतना लिखाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, है ना। लोग ये सोचते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बाद क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, तो ये नहीं होता है। क्या बताया था कि जो सॉलिड होता है वो एक्चुअली कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला होता है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला, तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले इंक्लूड नहीं होते हैं इक्विलिब्रियम में। इनफैक्ट के आप बोल सकते हो कि हाँ वो इंक्लूड हुए थे बट उन्हें हटा दिया गया। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया यूनिटी। हम थोड़ा लैंग्वेज अच्छी करते हैं, हम बताते हैं कि ऐसा नहीं है, जो सॉलिड उसके जगह पे प्योर सॉलिड, जो उसके जगह पे वन, ऐसा बोलना जरूरी नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना, ये फंडा अपनाया जाता है। सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ना सारे स्पीशीज को दिखाया जाता है, फिर हम ये देखते हैं कि कौन वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन वाला है, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट वाले हैं, ये कॉन्स्टेंट वाले हैं, तो सारे कांस्टेंट को देखिए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को ना एक साथ कर लिया जाता है, तो सारे कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए। अब एक साथ कीजिएगा तो वो बन जाएगा K मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरी साइड क्या बचेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये ऐसा बचता है। इस पूरे को बोला जाता है Kp, देखा। तो इसमें हमने कहीं पर भी क्या कैल्शियम कार्बोनेट को 1 लिखा, क्या कैल्शियम ऑक्साइड को 1 लिखा, नहीं लिखा। तो शॉर्टकट भले ही लोग बना देते हैं कि अगर प्योर सॉलिड है तो प्योर सॉलिड्स के लिए ना यूनिटी कंसंट्रेशन पुट कर दो, बट वो होता नहीं है। उसकी रियलिटी ये है, सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ कर देते हैं और फिर उनको हम लिखते हैं केपी, वो केपी लिखाएगा या केसी लिखाएगा। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बातें हो रही तो केपी हो जाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हो जाएगा तो केसी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये तरीका होता है। आपको जो 5 टाइप बताया है ना, केपी, केसी, केएक्स, केएन या केपीसी, उनमें कभी भी जो 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 कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले वो इंक्लूड नहीं होते। कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले को इंक्लूड नहीं करना, जो 5 टाइप्स आपको बताएं, क्योंकि कांस्टेंट्स को मिला करके ही वो बने हुए। अभी आपको मैंने दिखाया कि केपी बना कैसे था। सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, उसमें सारे कांस्टेंट टर्म्स को मिलाओ तब केपी बनेगा या केसी बनेगा। तो वो 5 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो टाइप्स थे, केपी, केसी, केएक्स, केएन या केपीसी, उनमें कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले दैट मींस प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड नहीं लिखे जाते हैं। ओके, तो ठीक है। ऐसे ही NH4HS के लिए आप जरा बताओ, और देखना बीच में मैं फिर बहुत प्यार से फंसा भी जाऊंगा, तो आप जो है फंसने के लिए तैयार रहो, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। आप ऑलरेडी 1-0 पर आप लोग हो। सो NH4HS का अगर लिखोगे गाइस तो केपी कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। अब मैं ना जानबूझ करके कहीं पर गलत लिखूंगा, बट आपको चेक करना कि मैंने सही लिखा कि गलत लिखा। तो सही है या गलत है, सही है गलत है, सही 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 है, सही, मैं कह रहा हूँ सही है। अगर आप फंस गए तो फिर मार्क्स मुझे मिलेंगे। सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, कोई नहीं बता रहा है, मार्क्स मुझे मिल गए, मार्क्स मुझे मिल गया भाई। ये सही है ना, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये कांस्टेंट टर्म है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जो कांस्टेंट टर्म वाला जो है वो पार्ट जो है लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, अच्छा इसी का आप केसी भी लिख सकते हैं, केसी लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है, केसी लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख देंगे। लिख दिया आपने, बढ़िया। अब अगर मैंने चेंजेस किए, ऐसा कुछ कर दिया, थर्ड में आइए। देखिए मैंने लिखा कि कोई सब्सटेंस ए है सॉलिड फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में, और इससे बन रहा है सी जो कि एक गैस है, और साथ साथ क्या बन रहा है डी। जो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसका केपी लिखाएगा और मुझे बताना, सही है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मल्टीप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, इसका केपी ऐसा लिखाएगा और केसी ऐसा लिखाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। मैं कह रहा हूं नहीं यार ये गलत है, इसमें मैंने कुछ गलती कर दी, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। अब आप बताओ सही में गलती या सही, गलती या सही, गलती या सही। मेरे हिसाब से तो मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं गलत कर रहा हूँ। रॉन्ग दोनों, मतलब देखो एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना है कि जो केपी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, केपी एक्चुअली केपी तभी डिफाइंड होता है जब पूरे रिएक्शन में एक भी सॉल्यूशन फेज ना हो। सो केपी यहाँ डिफाइंड ही नहीं है। सो ये केपी जो है भाई साहब ये डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, बिकॉज केपी इज डिफाइंड ओनली व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन फेज। देयर शुड बी एटलीस्ट वन गैसियस स्पीशीज एंड देयर शुड नॉट बी एनी सॉल्यूशन फेज। ये मैं अलग से यहां पर लिख दे रहा हूं। केसी, केसी आएगा क्या, इनफैक्ट कि हम केसी भी नहीं लिखने वाले, समझ रहे हैं। ये ऐसा केस है जहां पर आता है केपीसी, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों। मैंने बताया था ना कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, बट मैंने ऐसी बदमाशी कर ली, आपको थोड़ा सा दे दिया फंसाने के लिए। केपीसी यहां पर यूज होगा बिकॉज देयर आर गैसियस एंड सॉल्यूशन फेज बोथ, दोनों फेजेज है। जब दोनों फेज साथ साथ एक रिएक्शन में होते हैं तो केपीसी लिखाता है, दोनों में से कोई नहीं लिखाएगा। और वैसे भी मैंने केपी के डिफाइन होने के लिए आपको बता दिया। देखिए पहले तो यहां पर लिख दिया जाए बोथ गैस एंड सॉल्यूशन फेज। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है यहाँ पर, ये ऐसा थ्योरेटिकल पॉइंट है जो नहीं पता होता, लोग सीधे सीधे गलती कर देते। बोथ गैस एंड सॉल्यूशन फेज आर प्रेजेंट, सो केपीसी प्रेजेंट, सो केपीसी इज रिटन। समझ गया, ये केपीसी की बात हो गई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, केपीसी की बात हो गई। तो अब बताइए केपी इज डिफाइंड Only when, अब ये पॉइंट ना पता हो तो आपसे तो केपी पता नहीं, आप केपी कहां कहां लिख दो। तो केपी इज डिफाइंड only when at least one gaseous species is present and no solution phase, no solution phase is present। कोई solution phase नहीं होना चाहिए, नो सॉल्यूशन फेज इज प्रेजेंट। देखा, कोई सॉल्यूशन फेज नहीं होना चाहिए। डन, चलो बता दिया मैंने ये। अब तो ध्यान रखोगे आप कि भाई केपी कब डिफाइंड होता है कब नहीं डिफाइंड होता है। आपको चेक करने के लिए एक क्वेश्चन और दे दिया जाए। भाई रुक जा यार, क्यों तंग कर रहा है मुझे, चल इधर आ जा। हाँ ब्लैंक पेज दे दो मुझको यार। आपको चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि क्वेश्चन दिया कि केपी डिफाइंड है या नहीं, जरा ये चेक करो। मैंने ये रिएक्शन दिया, H2O लिक्विड ये ब्रेक कर रहा है H+ एक्वस में और OH माइनस एक्वस में, देखिएगा ठीक है। अब यहां पर केपी डिफाइंड है क्या, आंसर क्या आएगा, केपी नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या केपीसी लिखने की जरूरत है क्या, केपीसी नॉट रिटन, नहीं लिखा जाएगा बिकॉज ये तब लिखेंगे जब गैस और सॉल्यूशन फेज दोनों होगा। तो बचा क्या, क्या लिखा जाएगा फिर, केसी, है ना। और ये केसी कितना हो जाएगा, H+ मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस, और नीचे वाटर तो लिखाएगा नहीं क्योंकि वाटर क्या प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड वाला पार्ट तो वो अपने आप इंक्लूड हो जाता है केपी में, है ना, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन केसी केपी। सो यहाँ पर H2O, आप जिसके लिए शॉर्टकट 1 करते हो, मैंने सिखाया कि एक्चुअली वो वहाँ पर 1 होता तो नहीं है बट आप ट्रीट कर सकते हो 1 अपने लिए, होता नहीं है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है केपी केसी में, राइट, ये पॉइंट। चलो नाउ ये अप्रोच लेने से पहले मैंने बताया कि इस तरह से आप केपी को डिफाइन कर लीजिएगा, केपी का डेफिनेशन देख लीजिए, केपी कब डिफाइन होता है, केपीसी कब लिखते हैं। बहुत बड़ी गलती होती है इसमें। मैंने ज़्यादा मजाक नहीं बनाया आपका है ना, मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, ऐसा होता है। अब अप्रोच सेक्शन में देखिए, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे काम करना है, बट इसके लिए पहले क्या करते हैं देखिएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन एक बहुत ही तगड़ा ट्रिक है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्विंग के ना सारी अच्छी अच्छी बातें शुरू होती है। और टाइप ऑफ रिएक्शंस ना मैं डिवाइड करके ना मैं क्या करता हूँ ना, इस पार्ट को बोलता हूँ KFC। आपको पता है KFC अपने लिए ट्रिक की पहचान है, कूल एंड फॉलो कॉन्सेप्ट। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करो, टाइप ऑफ रिएक्शंस की आइडेंटिफिकेशन, इससे काम बहुत आसान होता है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच चल रहा है हमारा, सेक्शन बेसिक्स वाला हो गया है, टुच्चे थे सारे बेसिक्स तो सबको पता होते हैं। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है, तो एकदम ध्यान से सुनना आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी भाई? देखो मैंने एक रिएक्शन लिखा PCl5, ये डिसोसिएट कर रहा है और इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है PCl3 गैस और Cl2 में। देख रहे हो इस रिएक्शन को, देखो इस रिएक्शन को हम कहते हैं 1:2 टाइप का रिएक्शन। मतलब 1 मोल है रिएक्टेंट साइड, 2 मोल है प्रोडक्ट साइड। देखा, ये 1:2 टाइप, 1:2 मोलर रेशियो वाला रिएक्शन है ना। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है भाई, मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक्स कि ये अगर है तो किसी नूब को भी सिखा सकते हैं सॉल्विंग बहुत अच्छे से। सो 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन है, पहले आइडेंटिफाई कर लेकर, और ये बहुत ज़्यादा आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम में। 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आते हैं। PCl5 का डिसोसिएशन है, N2O4 का डिसोसिएशन है, NH3 का डिसोसिएशन है, सब 1:2 टाइप है ना। और हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है अगर हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर ले तो। खैर, सो अब क्या करना है, देखो ये PCl5 का डिसोसिएशन है गाइस। होता क्या है, आपको ना 3 स्टेजेस के ना कॉन्सेंट्रेशन लिखने अच्छे से आने चाहिए। मैं इसको बोलता हूँ आइस मेथड, आइस मेथड फॉलो करना है बहुत अच्छे से। आइस मेथड है ना, सर टेक सेशन ऑन IU क्लास 6 फॉर माई ब्रदर, मैं लूँगा नहीं दो ऑलरेडी मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ये, है ना, ये 9th-10th वाले जो बड़े बदमाश हैं। अब और छोटे के नहीं पढ़ा सकता है ना, सीनियर क्लासेस जनरली 11th-12th। सो देखो आईस मेथड क्या है, आई फॉर मतलब हम आ गए हैं सॉल्विंग अप्रोच पर। सॉल्विंग अप्रोच के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्त, अगर यहाँ गलती होती है भूल जाओ, फिर इक्विलिब्रियम नहीं होने वाला। आयनिक तो एकदम ही भूल जाओ आप। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन टू अंडरस्टैंड द सॉल्विंग, अपना बेस मजबूत करने के लिए डेडिकेटेड लेक्चर इसी बात के लिए कि आप एकदम बेसिक सीखिए और फिर सॉल्विंग का अप्रोच सीखिए, है ना। सो एकदम ध्यान से सुनिएगा। हाँ निधि, सुपर बदमाश। सो करना क्या है गाइस, अभी यहाँ पे ना आपको कॉन्सेंट्रेशंस लिखने सीखने। इनिशियल कंसेंट्रेशन अच्छे से समझिए, बीच में जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है। देखिए इनिशियल वैल्यूज, मतलब मैं वैल्यूज मोल्स लिखना है, कंसंट्रेशन लिखना है, इनिशियल वैल्यूज जो बीच में चेंज हुआ है और जो फाइनली इक्विलिब्रियम आया है। इनिशियल वैल्यू लिखिए, बीच में जो चेंज हुआ है वो लिखिए, एंड देन जो फाइनल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है उसकी वैल्यूज लिखिए, उस पर मोल्स की वैल्यूज लिखिए। समझ रहे हैं, आपको ना मोल्स की वैल्यूज, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज ढंग से लिखनी है। तो आपको आइस मेथड एकदम ढंग से फॉलो करना है। आइस मेथड का मतलब हुआ इनिशियल, आई फॉर इनिशियल वैल्यूज अच्छे से लिखे, देन मूव ऑन टू द चेंज वैल्यूज। क्या क्या चेंज आया, किस किस स्पीशीज के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया वो लिखो, सी फॉर चेंज। देन फाइनली इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है वो लिखो, ये आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए, समझ रहे हो। सो आई, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, फिर इक्विलिब्रियम, ये 3 पॉइंट होते हैं। तो ये जो आइस पॉइंट्स है ना, आइस मेथड में बोलता है इनको, ये इसको फॉलो करके आप ना कॉन्सेंट्रेशन ढंग से लिखो। ये की पॉइंट है, नहीं आया इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, एकदम नहीं आ सकता। यहाँ गलती सबसे ज्यादा होती है स्टूडेंट से, सो केयर करेंगे। अब सपोज दैट मैंने बोला इनिशियल मोल्स है स्मॉल ए, ठीक है, इनिशियल मोल्स है स्मॉल ए, इसके कॉन्सेंट्रेशन में मोल है। अब मान लो ये जिस कंटेनर में रखा हुआ ये रिएक्शन हो रहा है ना, उस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर। जनरली ऐसा ही होता है, कोई इजी सा वॉल्यूम का वैल्यू होता है। तो जो मोल की वैल्यू ए है, ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो ए मोल पर लीटर, राइट। प्लीज रिप्लाई सर, हेलो आयुष भाई, दूर से दिखता नहीं है मेरा दोस्त, है ना। मेरे तो लेट्स फॉर IOQC 11th-12th। चलो गाइस, सो आई क्या बताया, इनिशियल मोल या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है। अब चेंज लिखेंगे, चेंज इज एक्स, सो ए में से एक्स को माइनस कीजिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl5 आर रिएक्टिंग? एक्स मोल्स। सो फॉर 1 mole ऑफ PCl5 1 mole ऑफ PCl3 इज फॉर्म्ड एंड 1 mole ऑफ Cl2 इज फॉर्म्ड। सो फॉर एक्स मोल्स ऑफ PCl5 वी विल फॉर्म एक्स मोल्स ऑफ PCl3 एंड वी विल फॉर्म एक्स मोल्स ऑफ Cl2। सही है, सी का काम हो गया। व्हाट वाज सी? आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल वैल्यूज, सी स्टैंड्स फॉर चेंज इन वैल्यूज, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम वैल्यूज। आई बात समझ? यस, है ना। I stands for initial values, C stands for change of values, E stands for equilibrium values। चलो, so A minus X, X X करके लिख दिया, है ना। और अगर यही यहाँ पर ही इसी के थ्रू ये these values, if I want to tell you that कि ना these values are equilibrium values, so C and E will be same। मैंने बोला यार change आया ना X का और इसी से equilibrium आ गया, तो ठीक है C and E are same, तो either write C और राइट ई, कोई बात नहीं, एक ही बात हो गई। बट हमेशा सेम नहीं होते वो, ऐसा भी होता है कि चेंज आएगा उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा, चेंज आएगा उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा, वो केस भी मैं दिखाता हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फॉर मिनिमम कंफ्यूजन हम इसको क्या कर रहे हैं, मानकर चले ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, है ना, या मैं जिसको बोल रहा था कि चेंज इन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ओके, सो माइट बी कि भाई कुछ नए लोग आएंगे और उनको नहीं समझ में आएगा, लेट अस जस्ट से दैट कि ये इक्विलिब्रियम है। सो अभी टफ करेंगे सिचुएशन को, so we will require three situations, initial, change in values and equilibrium, but abhi easy hai, so I am writing like this। okay, ab dekhna ye jo change aaya isse I have to define degree of dissociation। what is degree of dissociation? it is dissociated amount। first of all I will give you formula, then I will just explain the meaning of degree of dissociation and that is more important। so dissociated amount of reactant, dissociated amount divided by क्या लिखेंगे? initial amount, dissociated divided by initial amount। देख रहे हो, dissociated divided by initial amount। so dissociated amount क्या है? dissociated amount क्या है? degree of dissociation को अल्फा लिखेंगे। dissociated amount क्या है? x, है ना, and initial amount क्या है? a। so alpha is x by a, we can also write x is equal to a alpha। देखना जरा, ठीक है। अब भाई डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल, क्यों? क्योंकि डिग्री, देखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो वर्ड डिग्री आ रहा है ना, दैट एक्चुअली वांट्स टू टेल यू, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डिग्री है, ये आपको बताना चाह रहा है। आप डिग्री लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेते हैं, है ना, वो आप साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डिग्री लेते हैं। डिग्री मीन्स दैट एक्चुअली शोज द लेवल, है ना, पढ़ाई में लेवल वो भी डिग्री से, यहाँ पर डिसोसिएशन का लेवल वो भी डिग्री से समझते हैं। तो लेवल ऑफ डिसोसिएशन कौन बताता है, कितना ज्यादा डिसोसिएट किया है? द लेवल ऑफ डिसोसिएशन इज एक्चुअली शोन बाय अल्फा। सो अल्फा बताता क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या कितना अमाउंट डिसोसिएट कर रहा है, लेवल ऑफ डिसोसिएशन। हायर अल्फा मीन्स हायर लेवल ऑफ डिसोसिएशन, मोर डिसोसिएशन। लोअर वैल्यू अल्फा, दैट मीन्स कि लो लेवल ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। सो दिस एक्चुअली शोज द लेवल ऑफ डिसोसिएशन एंड also it shows that के एक मोल रिएक्टेंट से कितना टूटा। देखिए a मोल लिया था, उससे x टूटा है। From a mole dissociation is of x moles, so from 1 mole how much amount will be dissociated on an average? x by a, and this x by a is alpha। सोचिए एक और तरीका समझने का, क्या तरीका समझने का? एक a mole, from a mole of reactant x moles have been dissociated, फ्रॉम ए मोल ऑफ रिएक्टेंट एक्स मोल से डिसोसिएट, तो एक मोल से कितना टूटेगा? एक्स बाई ए, दैट इज अल्फा। ये अल्फा है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, है ना। सो द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 mole ऑफ रिएक्टेंट, एक मोल रिएक्टेंट से कितना अमाउंट टूटा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। फॉर्मुलेट करेंगे एक्स बाई ए करके, डिसोसिएटेड बाई एसोसिएटेड करके, ये टूटा है ना, ये टूटा अमाउंट, डिसोसिएटेड अमाउंट, एंड दिस इज इनिशियल अमाउंट, दैट इज लूटा अमाउंट। तो हम इसे शॉर्ट पर टूटा बाई लूटा भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं लूटा है, लोटा मत कर दीजिए, नॉट लोटा, हिंदी जानने वाले, दिस इज नॉट लोटा, लोटे लोटा, लोटा जिसमें आप बारात में जाते हैं तो रसगुल्ले भर करके लेके आ जाते हैं छुपा करके, दैट इज लोटा। ओके, ये लोटा की बात नहीं हो रही, क्या? एक्स बाई ए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, टूटा बाई लोटा, टूटा बाई लूटा नहीं करते हैं। सो एक्स इक्वल टू ए अल्फा। अब आइए आपको ये समझ में आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करते कैसे है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे काम कैसे करते हैं वो अब देखते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होने वाली गलतियों को देखिएगा। फिर से आई एम राइटिंग PCl5 डिसोसिएटिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2 एंड रिएक्शन ये 1:2 टाइप का है और इसके बहुत फायदे होते हैं 1:2 पहचानने के, अभी आएगा ये। सो आप इसको केयर कीजिए कि आप पहचानते रहे कि यस 1:2 टाइप रिएक्शन है। आई कैन गिव यू N2O4 और ये N2O4 भी टूटेगा 2NO2 बनाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है ओके। सो यार अगर इनिशियली एमोल्स और ये फिर बाद में टूटता है इक्विलिब्रियम पर, सो मैंने उसको दिखाया A-X, ये X बना और ये X बना, बट मैंने फिर आपको सिखाया कि अल्फा इज इक्वल टू X बाई A। इनफैक्ट वी कैन राइट X इज इक्वल टू A अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना आप। सो आप यहाँ पर X की जगह पर बिंदास A अल्फा लिखिए, X की जगह पर A अल्फा लिखिए, X की जगह पर A अल्फा लिखिए, लिख सकते हैं आप। ज्यादातर समय आपको अल्फा के टर्म्स में काम करना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में, तो उससे डरिए नहीं, ठीक है, एकदम बिंदास लिखिए। चलिए सो A-X X ये मैंने बहुत ब्रेक करके समझाया ताकि कोई भी जीरो लेवल पर भी है वो भी समझ जाए, बट अब इसको ढंग से देखिए। A-A अल्फा, हाउ कैन आई राइट A-A अल्फा बिकॉज X बाई A इक्वल टू अल्फा, सो X विल बी A अल्फा। ठीक है अब इसे बार बार यूज कीजिएगा A-A अल्फा, अल्फा के टर्म्स में ज्यादा बातें करनी, क्यों वो भी सिखाता हूँ, क्यों ऐसा क्यों करेंगे। ये X था एंड नाउ वी आर राइटिंग X इक्वल टू A अल्फा, X इक्वल टू A अल्फा। अल्फा के टर्म्स में काम करने से बहुत फायदे हैं, है ना। यूजिंग अल्फा वी आर बाय यूजिंग अल्फा, ऐसा लिखना चाहिए मुझको, बाय यूजिंग अल्फा वी आर फ्री फ्रॉम 2 ट्रबलसम फैक्टर्स। कौन से 2 ट्रबलसम फैक्टर मैंने पहले से बताया, वी आर फ्री फ्रॉम इनिशियल मोल A एंड कंटेनर का वॉल्यूम V, इनसे फ्री हो जाते हैं आप। अल्फा के टर्म्स में आप बातें करेंगे तो वी आर फ्री फ्रॉम A एंड V इन द एक्सप्रेशन ऑफ KP, और KP हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और KP के फायदे भी यही है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ KP गाइस, ये लिखना जरूरी है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ KP। इन द एक्सप्रेशन ऑफ KP देख रहे हैं, KP के एक्सप्रेशन में बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। उसको देखना है, समझना है, तो देखिए कैसे लिखते हैं। फिर से देखिए अब, देखिए अब तो हम X के टर्म्स में लिखेंगे ही नहीं, A-A अल्फा लिख रहे हैं। इनफैक्ट कि अब और अच्छे से ऐसा लिखना सीख गए, क्या करेंगे यहाँ पर A इंटू 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, A अल्फा लिखेंगे, और ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है। ये टाइम है कौन सा, इक्विलिब्रियम का टाइम है। ठीक है A इंटू 1 माइनस अल्फा, A अल्फा और A अल्फा। अब जब आप KP का एक्सप्रेशन निकालने जाते हैं तो क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर PCl3 पार्शियल प्रेशर Cl2 पार्शियल प्रेशर PCl5, ऐसा लिखते हैं ना। और आपको ना बारी बारी से सबके पार्शियल प्रेशर निकालने आने चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर पहले निकाल लेते हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बताओ मुझको, मोल फ्रैक्शन हर स्पेशीज का मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। सो सपोज दैट कि ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा था वो टोटल प्रेशर उसके लिए क्या है, P है या PT भी लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने PT ही लिख दिया। सो अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर लिखना है तो उसके मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, सपोज दैट आई हैव टू फाइंड X PCl3, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ PCl3, और डिवाइड करेंगे उसको किससे, टोटल मोल ऑफ PCl3 से, N टोटल से, है ना, N टोटल से। तो N टोटल में तो सारे स्पेशीज के मोल्स आएंगे। अब ये देखो N टोटल जो हम बहुत ही ट्रिकी अप्रोच से निकालते हैं, इसी के लिए आपको सब सिखा रहे थे कि ये 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। तो कैसे निकालेंगे टोटल मोल, फटाफट देखिए यहाँ पर आप, देखो ध्यान से अभी एक बार ना आप ऐड करके देखो टोटल मोल। यहाँ पर A-A अल्फा है, ये A अल्फा है और ये A अल्फा है। अब इस पूरे को ऐड कर दो, इस पूरे को ऐड करोगे तो देखो आपके पास वैल्यू आएगी A प्लस A अल्फा, दैट इज A इंटू 1 प्लस अल्फा। देखा A इंटू 1 प्लस अल्फा ये आ रहा है, ये टोटल मोल्स आ रहे हैं, सारे स्पेशीज के मोल्स को ऐड कर दिया इक्विलिब्रियम पर, तो हमें मिल गया टोटल मोल्स। ठीक है अब ये जो टोटल मोल्स है, सुनना ध्यान से, ये जो टोटल मोल्स है, ये टोटल मोल्स A इंटू 1 प्लस अल्फा, ये हर 1:2 रिएक्शन का टोटल मोल होगा, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। आप रियलाइज करना चाहते हो भाई, देखो PCl5 का डिसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम में, उनमें से ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है इनका। N2O4 से 2NO2, देखिए ये भी 1:2 है, और इसे देखिए 2NH3 डिसोसिएटिंग इनटू N2 + 3H2। सारे गैसियस स्पीशीज हैं यहाँ पर, मैं लिख नहीं रहा उनको, देखिए सारे ऑल आर 1:2 टाइप, सारे 1:2 टाइप है। सो टोटल मोल सबके केस में यही आना है, एकदम फिक्स्ड है, N2 1 + अल्फा आएगा ही आएगा, कैलकुलेट मत करते रहिए हर बार, ये आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स्ड आएगा। ये 1:2 ऊपर वाला कैसा 1:2, देखिए रिएक्टेंट साइड 1, यहां पर 2, रिएक्टेंट साइड 1, यहां पर देखिए 2, यहां पर 2 मोल्स, यहां पर 4 मोल्स, सो 2:4 दैट एक्चुअली गिव्स यू 1:2 अगेन। सो ये सारे के सारे क्या है 1:2 टाइप है। 1:2 टाइप वाले केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत पूछे जाते हैं, तो सीधे सीधे उनका टोटल मोल याद रखिएगा, और टोटल मोल बहुत फायदा पहुंचाता है कैलकुलेशंस में, बहुत ईजी कैलकुलेशंस हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो 1:2 टाइप वाले का क्या हो गया, क्या आ जाएगा टोटल मोल N2 1 + अल्फा। ओके, सो एक बार फिर से मैं PCl5 के एक्सप्रेशन पर आया, बिकॉज कि भाई एक्सप्रेशन ऑफ KP हम लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो एक्सप्रेशन ऑफ KP की बातचीत चल रही थी, एक्सप्रेशन ऑफ KP ये लिखने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे पास रिएक्शन था PCl5 वाला, तो एक बार फिर से वापस गए और लिखने की आदत सी डाल ली कि ओके ऐसे लिखना है A (N2 1 - अल्फा)। देखिए स्टार्टिंग में इन दोनों को हमने जीरो रखा हुआ है ना, इनिशियल वैल्यूज, फिर इक्विलिब्रियम वैल्यूज, तो A (N2 1 - अल्फा), A अल्फा। टोटल मोल हमें पता है N2 1 + अल्फा आएगा, हर हाल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं PCl3 का, इन दोनों के मोल सेम है तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम आएगा, सो वी कैन राइट HCl2 ऑल्सो, है ना, HCl2, और देखिए HCl2 बराबर कितना आ जाएगा A अल्फा डिवाइडेड बाई A (N2 1 + अल्फा)। देखिए A कैंसिल आउट हो गया, और मोल फ्रैक्शन यूज होने वाला KP के एक्सप्रेशन में, जहां अब A आ ही नहीं सकता है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 बताइए, वो कितना आ जाएगा N2 1 - अल्फा बाई A (N2 1 + अल्फा)। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शंस पता है, यहाँ भी A और A कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे निकालना है KP, सो KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, है ना। सो भाई PCl3 का मोल, PCl3 का पार्शियल प्रेशर बताइए, PCl3 का पार्शियल प्रेशर बताइए, PCl3 का पार्शियल प्रेशर कैसे लाएंगे, जगह नहीं है यहाँ पर, सो मैं मिटा रहा हूँ इसको, मैं लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना है, तो हमने अभी लाया था A अल्फा बाई 1 + अल्फा, देखा था A अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल का मोल A (N2 1 + अल्फा), A एंड A कैंसिल, सो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, और यही पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 भी होगा, बिकॉज Cl2 के भी वही मोल्स हैं तो वही मोल फ्रैक्शन होंगे, और PT तो खैर सबके लिए कॉमन होता है, तो ये पार्शियल प्रेशर Cl2 का भी है। अब पार्शियल प्रेशर PCl5 का निकालते हैं, तो PCl5 का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, कितना आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 भाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 मोल्स A (N2 1 - अल्फा) डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, कितने A (N2 1 + अल्फा), सो इट विल बी 1 - अल्फा बाई 1 + अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। सो तीनों स्पेसिस के पार्शियल प्रेशर पता है, अब KP के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, KP के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो KP के एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा, KP के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, सबके पार्शियल प्रेशर पुट करते हैं। और देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए नहीं कि ये हर बार आपको डिराइव करना पड़ता है, मेहनत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक बार आपको दिखा देंगे, है ना, मेहनत मैं किए जा रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट IOQC के ऐसे होंगे जो वीडियो आकर के देखेंगे, उनको फील होगा कि ये सर जो है वो बेसिक्स को अच्छा कराने की कोशिश कर रहे, तो ऑब्वियसली मेरा पहला लेक्चर इक्विलिब्रियम का बेसिक्स अच्छा कराएंगे ही और फिर उठाएंगे। सो मैं ये सब चीज़ें अभी दिखा भी रहा हूँ इसीलिए क्योंकि फिर जब मैं बोलूँ कि ऐसा कनेक्शन आपसे बनना चाहिए क्योंकि मैंने दिखाया हुआ वीडियो में, तो बनना चाहिए भाई। आप फिर आप ये नहीं बोल सकते कि सर वीडियो में तो कहीं नहीं दिख रहा है और हमें पता नहीं है, पहले से हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं वीडियो में सारी बातें ना एकदम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स को टच करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर अगर टफ होता है तो उसके बेसिक्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हो सके ताकि कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें हम। ओके, सो PCl3 का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज कमिंग आउट टू बी जस्ट एज सेम एज PCl2, है ना। सो दिस इज A (1 + अल्फा) इंटू टोटल प्रेशर, और दोनों का सेम है तो लेट अस जस्ट स्क्वायर इट बिकॉज के दोनों का सेम है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, वो कितना है A (1 - अल्फा) बाई 1 + अल्फा मल्टीप्लाइड बाई P, वही PT ठीक है। अब यहाँ पर ना आप कैंसिल आउट करो, ये स्क्वायर है और ये सिंगल है तो एक पीटी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक पीटी बच जाएगा। नाउ आप देखना 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस अल्फा, ये भी कैंसिल आउट होगा। अल्फा स्क्वायर को कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को कैंसिल एक बार करेंगे तो 1 प्लस अल्फा, और एक और वैल्यू डिनोमिनेटर में बच जाएगी 1 माइनस अल्फा। सो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पीटी। ये एक्सप्रेशन हो गया किसका, केपी का। अच्छा ये एक्सप्रेशन किसके लिए हुआ, क्या ये एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए हुआ, PCl5 के रिएक्शन के लिए हुआ? आंसर है नहीं दोस्त, सिर्फ PCl5 के लिए नहीं हुआ। देखिए ये था PCl5 का रिएक्शन और हमने आपको डेरिवेशन जरूर दिखाया इसका, बट दोस्त पता है क्या, सिर्फ और सिर्फ PCl5 के लिए वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। क्या सिखाया आपको, ये एक 1:2 टाइप का रिएक्शन है और 1:2 टाइप के रिएक्शन की प्रॉपर्टी देखिए, 1:2 टाइप इसकी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या क्या आप आई आपने 1:2 टाइप के रिएक्शन की सारी प्रॉपर्टी मैंने डेरिवेशन के थ्रू दिखाई है, 1:2 टाइप की प्रॉपर्टी दिखाई है। अब आप अपने दिमाग से किसी और दूसरे टाइप के रिएक्शन का बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या क्या होगी देखिए, प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, टोटल मोल हमेशा इस फॉर्म में आएगा A × 1 प्लस अल्फा। देखा, दूसरा केपी का एक्सप्रेशन, अगर आपका ये 1:2, देखिए 1:2 टाइप का रिएक्शन किस तरह से बना हुआ, इस फॉर्म में A से B प्लस C है ना। एक दूसरा भी फॉर्म है 1:2 टाइप का, A से 2B हो जाए। तीसरा भी फॉर्म है 2A से क्या हो जाए, B प्लस 3C हो जाए। देखिए तो ये तीनों फॉर्मेट है, ये वाला PCl5 का डिसोसिएशन, ये वाला N2O4 का डिसोसिएशन, ये वाला NH3 का डिसोसिएशन, तीन तरह के 1:2 टाइप दिख रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं। हम अभी डिस्कशन इसका कर रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन का केपी एंटी, तो खैर हर टाइप के रिएक्शन के, फॉर ऑल टाइप्स, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ 1:2 रिएक्शन, हर तरह के 1:2 रिएक्शन का एंटी ऐसा ही निकलेगा, यही आएगा। फटाक से लगा देना, कभी भी आए तीनों तो फटाक से यूज करना। और केपी, भाई केपी का जो एक्सप्रेशन है ना, केपी का जो एक्सप्रेशन है वो आया था अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। तो ये एक्सप्रेशन आएगा वैसे 1:2 रिएक्शन के लिए जो इस फॉर्मेट का है, A से B प्लस C, A से B प्लस C, A से B प्लस C, समझ रहे, इस फॉर्मेट के रिएक्शन का केपी है। तो केपी आप ना मतलब आप बार बार निकालते नहीं रहना है, जब आपको लगे कि ये इस तरह का फॉर्मेट है तो फट से पुट करना है। और देखिए केपी ना, केपी का जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर कहीं पर भी क्वाड्रेटिक से ऊपर जाने लगता है इक्वेशन, क्यूबिक होने लगता है, तो क्वेश्चन खुद ही सिंप्लीफाई करने के लिए, क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा खुद ही कुछ एजम्पशन या अप्रोक्सीमेशन देता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हमेशा देगा, ऑलवेज। अगर क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक होने लगा है ना, जैसे देखिए ये PCl5 का डिसोसिएशन है, ये 1:2 टाइप का। अमोनिया का डिसोसिएशन भी 1:2 टाइप है, बट वहां पर 2 मोल NH3 के, 1 मोल H2 का, सॉरी 1 मोल N2 का और 3 मोल H2 के बनते हैं, दिखाई देते हैं। तो वहां पर इक्वेशन ना हायर पावर्स में जाने लगता है। तो अगर कभी अमोनिया के एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो हमेशा सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ना कोई क्लू छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, समझ रहे। ज्यादातर क्वेश्चन वो PCl5 जैसे आसान एक्सप्रेशन पे पूछेंगे, जहां पर ना एक्सप्रेशन आसान है, जहां पर कैलकुलेशन आसान है, वहां से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कैलकुलेटिव, और जहां पर एक्सप्रेशन मुश्किल है वहां से वो ज्यादा बातें करेंगे थ्योरेटिकल, आपको फंसाने वाली, समझ रहे हैं। सो ये 1:2 का अप्रोच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इन terms of P and Kp for the reaction C2H6 से C2H4 plus H2। अब जैसे ही मैं ये रिएक्शन दिखाऊंगा ना, अब लोग सोचने लगते हैं, अरे यार देखना जो आपको बातें सिखाई हैं उसका यूज, उसका अप्रोच, उसका एप्लीकेशन कितना कितना प्यारे तरीके से होता है। अब लोग सोचने लगे एक्सप्रेशन बनाना है तो मुझे ये सब काम करना होगा, ये लिखना होगा, फिर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, फिर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, फिर केपी का एक्सप्रेशन निकालना होगा, फिर वहां से अल्फा को केपी और पी के टर्म्स में करना। अरे यार इतना क्यों करोगे, क्यों सिखाया कि रिएक्शन का टाइप देख लिया करो। रिएक्शन का टाइप देखा, फटाफट पाया 1:2 टाइप है। अगर 1:2 टाइप है तो 1:2 टाइप के ना 3 अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये कौन सा टाइप का है, ये ए से बी प्लस सी का है, तो ए से बी प्लस सी वाला ये तो PCl5 के डिसोसिएशन के टाइप का है। सो अगर ये PCl5 के डिसोसिएशन के टाइप का है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि केपी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी, दैट इज पी टोटल। हो गया, मैं क्यों करूंगा इतना, करना ही नहीं, इसीलिए तो सीखा है कि वो शॉर्टकट देगा, टाइम बचाएगा। दूसरे स्टूडेंट जहां पर पागलों जैसे एक्सप्रेशन बनाने में जाते हैं और रोने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि इक्विलिब्रियम नहीं होता, वहां पर आप बना करके तैयार रहोगे। कितना ईजी है यार। हाँ, तालियां हो जाए अगर बातें आपको अच्छी लगी तो। सो C2H4 गैस प्लस H2, ये देख रहे, ये रिएक्शन था। इसके लिए मैं देखते के साथ समझ गया यार ये तो केपी वाला एक्सप्रेशन है यार, ये तो केपी वाला एक्सप्रेशन है यार, ये तो केपी वाला, ये सॉरी ये तो PCl5 के डिसोसिएशन वाला है यार, तो क्या ही सोचना यार, ये तो बन जाएगा, ये तो कर देंगे। सो ऑब्वियसली आप कर दीजिएगा यार, बिल्कुल कर दीजिएगा। केपी का एक्सप्रेशन लिखिए ना, फटाफट लिखा अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी लिखा, समझ गया। अब अल्फा को एक्सप्रेस कर देना किसके टर्म्स में, केपी के टर्म्स में, ठीक है। सो कर दीजिए। अल्फा स्क्वायर को आप ऐसा भी कर सकते हैं एक्स मान करके चल करके पहले सॉल्विंग कर लीजिए, एक्स बाई 1 माइनस एक्स कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाई पी कर दीजिए, या आपकी मर्जी कैसे भी कर दीजिए, या ऐसे ही चलिए, सिंपली ऐसे ही सॉल्व करते चलिए, और क्या ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए केपी माइनस केपी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी, है ना। फिर यहाँ से आ जाइए, केपी प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू केपी। इससे अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, केपी डिवाइडेड बाई केपी प्लस पी, देख रहे। यहां से आप अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर हटा दीजिए और यहां ये कर दीजिए, ये बन गया, तो चुटकी में आ जाएगा, है ना। इन्हीं सब बातों को जानने की जरूरत है, ढंग से रिलेट करने की जरूरत है कि यस ये इन तरीके से हमें सॉल्विंग करने की जरूरत है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन, पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के थ्रू जो एक्सप्रेशन आप बनाते हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिए, 1:2 टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो जैसे ही दिखे वैसे ही अटैक करना है, वैसे ही फिनिश कर देना उनको। 1:2 टाइप वाले तो बड़े इजी होते हैं। अब ऑब्वियसली देखिए एवरेज लेवल के क्वेश्चन में 1:2 टाइप के रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं और उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, बट और भी बातें जानने की। अब जैसे देखिए 1:2 टाइप रिएक्शन पर मैं बात ही कर रहा था, तो 1:2 टाइप पर एक बार और मैं बात बताऊँ, क्या बताऊँ कि भाई देखो हमारा ये अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाला सेक्शन चल रहा है। तो 1:2 टाइप वाले में मैंने बताया एक होता है PCl5 वाला, है ना, ये होता है PCl5 वाला। तो भाई PCl5 वाले में क्या है, PCl5 वाले में इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, ए से बी प्लस सी वाला, मस्त, ए से बी प्लस सी वाला। और इसका मैंने बताया कि केपी क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी डी। इसके बाद सेकेंड आता है ये N2O4 टाइप का, N2O4 से 2NO2, है ना, ये आएगा A से 2B टाइप। इसका केपी पता है क्या आता है, इसका केपी ये आता है 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी, समझ रहे, ये इसका केपी A से 2B वाले का। ठीक उसी प्रोसेस से जैसे कि हमने निकाला किसका, PCl5 का, इसका निकालेंगे, ठीक वैसे ही प्रोसेस है। तो केपी कितना आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। जस्ट इन दोनों में फर्क देखिए, सिर्फ फर्क 4 का है, बाकी सारे एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। अब फिर आता है ये 2NH3 अमोनिया वाला, ये भी 1:2 टाइप है। और ये देखिएगा 1:2 टाइप वाले के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, टोटल मोल्स वैसे ही निकलेंगे, कैसे, A × 1 प्लस अल्फा, कोई चेंज नहीं कर सकता। 1:2 टाइप है तो चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी रिएक्शन हो। अब ये NH3 का डिसोसिएशन देखिए, NH3 के डिसोसिएशन के लिए केपी जो है वो ना वो कॉम्प्लिकेटेड आएगा, मैं निकाल भी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि निकाल करके याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें ना कि उसको याद रखने से फ़ायदा है, या फिर जो एकदम याद रख आप हम निकाल करके देख सकते हैं, उसका वैसे ही इसी प्रोसेस से निकलेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बट ये दोनों डायरेक्टली बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखने से बहुत फ़ायदा होता है इनको। ये तो ऐसे क्वेश्चन ना, मतलब केपी से रिलेटेड, एक्सप्रेशन से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयर आएंगे, उससे आएंगे तो थियोरेटिकली मैक्सिमम आने के चांसेस है, या कोई ऐसा टर्म पूछा जाएगा जो कम कैलकुलेशन के साथ निकल सकता है। तो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, याद रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और ये है ना, जस्ट याद रख जाओ सो दैट के टाइम बचे, याद रख जाओ सो दैट के टाइम बचे। याद रखना नॉट यूजफुल, यूजफुल ही नहीं होता, ये मैंने लिखा ठीक है। अब देखिए आगे, बिग मिस्टेक पॉइंट। क्या बिग मिस्टेक पॉइंट है भाई? डिसोसिएशन रिएक्शंस, एसोसिएशन रिएक्शंस, बिग मिस्टेक पॉइंट्स। डिसोसिएशन रिएक्शन और एसोसिएशन रिएक्शंस, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो हम ना बहुत ज्यादा इनमें डिसोसिएशन रिएक्शंस देखिएगा, डिसोसिएशन रिएक्शंस बिग मिस्टेक पॉइंट्स में डिसोसिएशन और एसोसिएशन रिएक्शन से रिलेटेड बातें कर रहा हूं मैं। डिसोसिएशन रिएक्शन जब होता है तो आप सबसे ज्यादा गलती कहां पर करते हैं, किस तरह की गलती आप ज्यादा करते हैं? देखिए इस तरह की गलती करते हैं, 2NH3 है, ये टूट रहा है और बना रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये 1:2 टाइप रिएक्शन है। हम सब अभी तक सीख चुके हैं कि इसका जो NT आएगा श्योर है कि N2 प्लस अल्फा आएगा, सोचने की जरूरत नहीं, चलिए वो आएगा कोई बात नहीं। बट आपको ना अगर एक्सप्रेशन लिखने आ गया तो इनिशियल वैल्यू सपोज दैट आपने माना है आई, इनिशियल वैल्यू आई वो ए मोल पर लीटर है, मान लीजिए वॉल्यूम 1 लीटर है और ए मोल से आपने शुरुआत की तो यही कॉन्सेंट्रेशन बन गया। अब इक्विलिब्रियम पर आप पहुंचे, मैंने आइस मेथड भी बताया बट अभी क्या हो रहा है, हम ना 3 स्टेज, जब अच्छे क्वेश्चन होंगे तो 3 स्टेज के क्वेश्चन होंगे, वो इनिशियल वैल्यूज लिखनी पड़ती है, चेंज लिखना पड़ता है और इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू आकर के रुक जाएगी जो दिखाई देगी वो लिखना पड़ता है। बट अभी हम एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कि 3 स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कि वो आइस मेथड में 3 स्टेज की कैसे कैसे जरूरत पड़ती है। आज एक एवरेज लेवल बातें चल रही है, सो आपको क्या करना है कि समझ जाना है कि ये मैं ई लिख रहा हूँ, आई के बाद वो सी वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है और जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों सेम कंडीशन है। खैर तो यहाँ पर अब आप ना क्या देखिए किस तरह के डाउट की बात होती है, तो आपके माइंड में क्या आता है देखिएगा। पहले तो आप ना ये मेथड फॉलो करेंगे क्या, किसी ने बोला कि मैं एक्स का मेथड फॉलो कर रहा हूँ, सुनिएगा एक्स वाला मेथड है, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। किसी ने बोला कि मैं अल्फा में नहीं जा रहा सर, मैं एक्स के टर्म्स में डिस्कशन कर रहा हूँ, आई विल बी डिस्कसिंग द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब आप सोचिए तो अल्फा के टर्म्स में डिस्कस करना सही है गलत है? तो यहाँ देखिएगा एक्स के टर्म्स में, अगर बातें की जाए तो 2 मोल्स ऑफ NH3 विल गिव 1 मोल ऑफ N2, दैट मीन्स कि ये हाफ बनेगा, जितना ये टूटेगा उसका ये हाफ बनेगा एंड जितना N2 विल बी फॉर्म्ड उसका ट्रिपल कौन बनेगा H2, सो दिस विल बी 3x/2। बहुत अच्छा आप लिख दीजिए, एकदम परफेक्ट लिखा है भाई, क्या मैथमेटिक्स लगाई है धाकड़। बट आपने अल्फा तो लिखा नहीं और आपको क्या सिखाया है, Kp इज इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोल एंड वॉल्यूम, इनिशियल मोल और वॉल्यूम से ना फ्री करना है Kp को, Kp शुड बी फ्री फ्रॉम इनिशियल मोल एंड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि तभी Kp का एक्सप्रेशन यूजफुल है। आपको याद है Kp और Kc के बीच में कंपैरिजन कर रहा था तो मैंने बताया था कि Kp इज मोर यूजफुल देन Kc बिकॉज कि Kc में क्या होता है इनिशियल मोल और वॉल्यूम आते हैं और वो हमारा काम खराब कर देते हैं। Kp बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, इनिशियल मोल एंड वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है एंड Kp इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोल एंड वॉल्यूम जस्ट बिकॉज के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के टर्म्स में आप Kp को लिखते हो और आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखा नहीं। सो दैट इज व्हाई कि दिस इज नॉट अ गुड मेथड, सो इट इज नॉट प्रिफर्ड। एनपी का मतलब समझना, नो प्रॉब्लम, नॉट प्रिफर्ड। ओके सो ये क्या है, नॉट प्रिफर्ड, ये दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड। अब आइए दूसरी गलती देखिए, तो ये कभी कीजिएगा मत, ऐसे मत कीजिएगा बिकॉज के डिसोसिएशन रिएक्शन है, अल्फा के टर्म्स में बात कीजिए बिकॉज वी हैव टू यूज Kp। और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर है दोस्तों, Kp के टर्म्स में बातें ज्यादा होंगी और Kp के टर्म्स में बातें अगर ज्यादा होंगी ना तभी चीजें आसान रहेंगी। आप Kc के टर्म्स में Kc के फैन नहीं बनना है, Kc का फैन नहीं बनना है, Kp का फैन बनना है। Kp के टर्म्स में बातें करनी, Kc के टर्म्स में बातें नहीं करनी, ठीक है। और Kp के टर्म्स में इफ यू आर गोइंग टू टॉक, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस everything, concentration or pressure in terms of kp, then guys you have to use degree of dissociation. आपको degree of dissociation यूज करना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट्स लाते हैं, चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखा, बट वो क्या करते हैं, ये काम कर देते हैं। ए माइनस 2a अल्फा, देखिएगा ए में से 2a अल्फा कम करते हैं। अगर 2 मोल ब्रेक करेंगे NH3 के, if 2 moles of NH3 are breaking dissociating, then 1 mole of N2 will be formed. That is, for N2 we should write a alpha and for H2 we should write 3 alpha. देखिएगा ये दिखा है ना। So this is perfect according to the mathematics. Yes, you have to break 2 moles to get 1 mole of N2 and 3 moles of H2. Perfect. But ये भी अच्छा तरीका नहीं है, ये भी फंसने वाला इनफैक्ट के गलत कॉन्सेप्ट दिख रहा है यहाँ पर। So अब ये वाला मेथड क्यों नहीं प्रिफर करते हैं भाई, ये मेथड इसलिए प्रिफर नहीं करेंगे because you haven't taken degree of dissociation equal to alpha. You have taken degree of dissociation equal to 2 alpha. तो आप तो खुद से खुद को बेवकूफ बना रहे हो, है ना। यू आर जस्ट मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट के द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, बट इन फैक्ट the degree of dissociation, the way you have written the values of concentration, the degree of dissociation is coming out to be 2 alpha. So you are thinking that ke alpha is the degree of dissociation, but the reality is that ke degree of dissociation is 2 alpha. और अगर ऐसा है degree of dissociation 2 alpha, तो कहानी आपकी खत्म हो गई। आपने सोचा कुछ और लिखा कुछ और, फिर आप बनाएंगे कुछ और। So it is also not preferred, है ना। So degree of dissociation is not equal to alpha. इसलिए ये तरीका नॉट यूज्ड, ये नहीं यूज करेंगे, समझ रहे। फिर क्या यूज करेंगे, अरे यार फिर यूज करेंगे वही ना जो ओरिजिनल है हमारा। जस्ट गो विद a इंटू 1 माइनस अल्फा, a माइनस a अल्फा, दैट इज a इंटू 1 माइनस अल्फा। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू यूज, a इंटू 1 माइनस अल्फा, सो दैट द मोल्स ऑफ N2 फॉर्म्ड आर a अल्फा बाई 2 एंड सो दैट द मोल्स ऑफ H2 फॉर्म्ड आर 3a अल्फा बाई 2। ये हुआ ना परफेक्ट। दिस इज द परफेक्ट वे, ये दिस इज द परफेक्ट, हर तरह से, नो डाउट। दैट मीन्स नेवर यूज द कोएफिशिएंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, ऑलवेज यूज द इफेक्ट ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। हमेशा प्रोडक्ट साइड यूज करेंगे गलती से भी, और बहुत सारे स्टूडेंट इन्हीं दोनों तरीके में ऐसा फंसते हैं, घूम घूम करके नाच करके गिर जाता है, बेहोश होकर के गिर जाता है। ये इस पॉइंट पर भी फंसते हैं ना, ये मुझे बहुत अफसोस होता है, इस पॉइंट पे फंस जाते हैं। अब खुद से एनालाइज करना चाहिए, बट मैंने इतनी क्लैरिटी से दिखाई बिकॉज के क्लासरूम एक्सपीरियंस है ना, हर तरह के स्टूडेंट। अब इतना बुढ़ा हो गया मैं, 155 का, तो आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस के यार के स्टूडेंट्स कैसे कैसे सोचते, क्या क्या गलती करते। तो वो गलतियां मैं नहीं चाहता कि रिपीट करें, क्योंकि ये अननेसेसरी टफ बनाना है। बेसिक्स का डिस्कशन हो रहा है, अप्रोच ऑफ सॉल्विंग का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, सो मेरा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सब गलत तरीके हैं। अब देखते हैं एसोसिएशन रिएक्शंस को। देखिए एसोसिएशन रिएक्शन में क्या करते हैं आप ना। सपोज दैट दिस इज द एसोसिएशन रिएक्शन, PCl3 gas combining with Cl2 gas to give you PCl5 gas. So this is a combination reaction or association reaction, ठीक है? So in this association reaction, you will not use alpha because alpha was kind of क्या degree of dissociation, तो alpha के terms में you will not do the work, समझ रहे हो? Dissociation में, in case of dissociation, we were not using x. Because we use Kp. अच्छा, there are 2 chapters of equilibrium, chemical and ionic. In ionic equilibrium, Kc is used. In chemical equilibrium, Kp is used. And for Kp, we prefer the method of degree of dissociation alpha. For Kc के लिए preference नहीं है। Question ने पूछा तो alpha, नहीं पूछा तो x। नहीं समझे आप? नहीं समझे? Okay, let me write. But first of all, let me show you that for association reaction, what is the method? See, for association reaction, degree of dissociation will not be used. Suppose that you have been given a moles of PCl3 and b moles of Cl2. So if x moles of PCl3 is being consumed, x moles of Cl2 will also be consumed, है ना? And hence x moles of PCl5 will be formed. This is the initial values. This is the change in values. See, ये ऐसे चलता है. Change in values या मान लो ये equilibrium ही है. So we are writing the values at equilibrium. So x का method use होगा because के association है है ना, मेथड ऑफ एक्स इज बीइंग यूज्ड, हाउ मच टाइम, कितना टाइम सेशन है, ओके ओके तो एंड करते हैं यहाँ पर, है ना, मेथड ऑफ एक्स इज यूज्ड, डू नॉट यूज अल्फा। चलो ठीक है गाइस, यहाँ पे बंद करते, टाइम हो गया। सो अब आपके बेसिक्स मैंने तैयार करा दिए हैं इस सेशन में। अब क्या करेंगे कि ये इन्हीं बेसिक्स का यूज़ करके अब सॉल्विंग करेंगे, धो डालेंगे। अगला सेशन जो है वो नेक्स्ट सेशन देख लीजिए, नेक्स्ट सेशन डन हो गया है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पूरा डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आज शुरू वैसे तो कर दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का वैसे डिस्कशन होगा एंड इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बाद हम है ना तुरंत में क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे, कंटिन्यूस हेवी सॉल्विंग, लेवल अप कर लेंगे फिर इसके बाद, ये प्रोसेस रहेगा ठीक है। तो इंटरेस्टेड बंदे आएंगे, थैंक यू एंड लव यू सो मच, ओहो थैंक यू एंड लव यू सो मच। चलिए बाय, इतना तो लिख दूँ, थैंक्स नहीं लिखूँ, थैंक्स तो बनता है ना, थैंक यू चलिए बाय, ओके बाय, टेक केयर।